वेल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हो दोस्तों आप मैं तुम्हारी बातचीत चैटिंग देख रहा था ना लायक हो पढ़ो ना हाँ क्या टाइम पास कर रहे हो चलो अब फालतू टाइम पास बंद अब फालतू टाइम पास बंद अब हमें पढ़ना है यस और नो एम आई क्लियरली ऑडिबल वॉइस क्लियरली आ रहा है यस क्लियरली ऑडिबल हूं बेटा जोर से बोलो हाँ गुड आफ्टरनून नाजमीन गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून बेटा चलिए आज थोड़ा हमारे साइड में इंटरनेट कनेक्टिविटी का दिक्कत जारी है बीच में बंद चालू बंद चालू हो रहा है अगर इन बिटवीन हमारा सेशन बंद हो जाए और हम रिकनेक्ट नहीं हो पाए तो डोंट वरी ओके मैं फिर से आ, लिंक क्रिएट कर दूंगा और हम लेक्चर फोर का पार्ट टू को कंटिन्यू करेंगे तो चलिए मैं यही दुआ करूंगा कि कोई दिक्कत ना है अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारी लिंक फिर से कनेक्ट हो जाएगी क्लियर बेटा बेटा फास्ट ट्रैक अभी लॉन्च नहीं होगा अभी तो रेगुलर रिकॉर्डिंग होगी तो फास्ट ट्रैक बाकी जो भी है ये Probably अगले महीने में लॉन्च होगा फेब्रुवरी एंड के आसपास अभी तो नहीं होगा बेटा नाजमिन लाइव स्ट्रीमिंग में डीटी के लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं आप लाइव स्ट्रीमिंग में इंक्वायरी कीजिए मैं आपको यस सर का नंबर भी प्रोवाइड करूँगा उनके उनको आप व्हाट्सएप कीजिएगा मैसेज नहीं और लाइव स्ट्रीमिंग में चालू हो गए हैं उनके यस डीटी लेक्चर्स चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पे डीटी के लेक्चर गूगल ड्राइव पे आने के लिए टाइम लगेंगे दस से पंद्रह दिन लगेंगे अभी लाइव स्ट्रीमिंग में चालू हो गए दस सॉरी दस से पंद्रह नहीं तीन चार दिन लगेंगे ओके गूगल ड्राइव पे आने के लिए कल से ही लाइव स्ट्रीमिंग में चालू है तीन चार दिन लगेंगे उसको कि वो गूगल ड्राइव पे आ जाए ठीक है क्योंकि वो सभी लेक्चर्स बेटा रेंडर भी होते हैं ओकेट एडिट भी होते हैं चालू करे बेटा चलो ओके okay, तो यहाँ पे हमने लास्ट सेशन में क्या क्या देखा मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले तो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का ओके okay, डिफरेंस देखा उसके बाद में यस ओके एक जुलाई 2017 के पहले कौन कौन से टैक्सेस इंडिया में लगते थे ओके okay, वो टैक्सेस के बारे में डिस्कशन किया एक्साइज यानी गुड्स पे एक्साइज वैट लोकल बॉडी टैक्स ऑक्ट्राय वगैरह इस टाइप के टैक्सेस गुड्स पे लगते थे और सर्विसेज पे भी अलग अलग टैक्सेस थे जैसे सर्विस टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स और एक्सेट्रा ओके ये सर्विसेज पे भी टैक्सेस थे लेकिन बाकी सभी टैक्सेस को मर्ज करके ओके यहाँ पे बेटा उसको जी में लाया गया आई रिपीट उसको जी में लाया गया और आ, जीएसटी फिर इन्होंने ड्यूएल मॉडल में डिसाइड किया क्यों क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट रेडी नहीं थी कि नेशनल मॉडल में जीएसटी लाया जाए उनका कहना था कि जीएसटी के रेवेन्यू को स्प्लिट करो इमीजिएट ओके okay, तो सी जी और एस जी इन दोनों में स्प्लिट करो आ, 50 परसेंट सेंट्रल लेगा और 50 परसेंट स्टेट लेगा ओके तो जीएसटी के जो रेट्स है बेटा जीएसटी के रेट फिफ्टी फिफ्टी परसेंट में डिवाइड किए गए आई रिपीट जीएसटी के रेट जो है फिफ्टी फिफ्टी परसेंट में डिवाइड किए गए ओके और फिफ्टी सेंट्रल और फिफ्टी स्टेट जो है ओके okay, इस तरह से वो ओके okay, यहाँ पे डिवाइड हुआ लेकिन फिर बाद में आईजीएसटी आईजीएसटी एक यूनिक फीचर है जो इंडिया ने लाया ओके जो भी कंट्री ने जीएसटी एक्सेप्ट किया ना ओके कोई भी कंट्री में आईजीएसटी नहीं है और कि जहाँ पर भी जीएसटी मॉडल चल रहा है इंडिया ने आईजीएसटी मॉडल लाया और इंडिया ने क्या किया इंडिया ने बेटा यहाँ पर इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इनको डिवाइड किया और अगर आपका ट्रांजेक्शन इंटरस्टेट होगा तो आई लगाया जाएगा और फुल रेट से लगाया जाएगा यानी ऐसा नहीं कि उसको डिवाइड किया जाएगा क्योंकि मामला दो स्टेट का है दोनों स्टेट में फिर से झगड़ा ना हो जाए ध्यान से सुनिएगा दोनों स्टेट्स में फिर से झगड़ा ना हो जाए इसलिए यहां पे आईजीएसटी जो है आईजीएसटी लाया गया और ये जो आई है यहाँ पे ओके फुल रेट से लगाया जाएगा फिर एक सवाल और खड़ा हुआ और वो सवाल ये कि सर आई जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगी ध्यान से सुनना आई जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगी कलेक्ट करेगी वो 50 परसेंट तो अपना रेवेन्यू रख लेगी ओके okay, और बाद में 50 परसेंट कौन सा स्टेट को बांटेगी तो मैंने कहा डेस्टिनेशन स्टेट को बांटेगी कल वाला एग्जाम्पल याद होगा तो मैंने कहा था गुजरात को बांटेगी ठीक है आज उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे ओके okay, और मैंने आपके okay, यहाँ पे आपका सवाल भी सर क्यों महाराष्ट्र क्यों नहीं सर क्यों गुजरात गुजरात को क्यों दिया जाएगा सर बता दो ना ओके तो आज मैं आप उसको उसके बारे में बताऊंगा क्योंकि का हमारा डिस्कशन चल रहा था और आईटीसी का डिस्कशन जो है ओके ये मेरा पूरा समझाने के बाद जो है यहां पे हम आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे चलिए ओके ये अब आपके डाउट्स और क्वेश्चन जो है ना मैं एंडिंग में जब ओके okay, अभी मत डालो एंडिंग में जो बेटा दस मिनट का टाइम दूंगा उसमें आपके सभी डाउट्स और क्वेश्चंस जो है वो मैं कवर करूंगा जैसे अभी कोई एक डाउट क्वेश्चन आया जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड तो बेटा जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड मैं आपको अभी बता दूंगा आगे आज के डिस्कशन में वो कवर हो जाएगा ठीक है चलिए डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे आ, हमने देखा था ट्रांजेक्शन विथ वैट ठीक है तो बेटा हमने जो देखा था ट्रांजैक्शन विद वैट और ट्रांजैक्शन विदाउट वैट मतलब ट्रांजैक्शन विद क्रेडिट और विदाउट क्रेडिट पहले क्या होता था बेटा 2004 के पहले इंडिया में सेल्स टैक्स में क्रेडिट नहीं था मतलब ओके पुराने लॉ में अगर आपके ऊपर ट्रांजैक्शन हाँ ट्रांजैक्शन वैल्यू एडेड टैक्स जो है ओके विदाउट वैट था मतलब क्या कि डबल टैक्सेशन होता था और ये डबल टैक्सेशन में आपकी परचेस कॉस्ट जो है ग्यारह हजार रुपये मानी जाती थी और आपका वैल्यूएशन तीन हजार चौदह हजार और चौदह हजार पे टैक्स आता था ऑब्वियसली बेटा इसका कैस्केडिंग इफेक्ट तो होता ही था कैस्केडिंग इफेक्ट भी हो रहा है प्रोडक्ट की प्राइजेस भी बढ़ रही है और एक ही अमाउंट पे दो बार टैक्स आ रहा है यानी दस अमाउंट पे दो बार टैक्स आ रहा है और उसके टैक्स पे टैक्स आ रहा है तो बेटा कैसे होता है कि इसके वजह से ये तो मैंने ठीक है एक ही चेन बताया और इमेजिन करो कि मैनी फैक्चर से डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर होलसेलर से रिटेलर रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर इतने बार अगर कैश कटिंग इफेक्ट हो जाए तो प्रोडक्ट की प्राइजेस बहुत बढ़ जाती है और अगर प्रोडक्ट की प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ गई तो ओके मार्केट okay, में डिमांड कम हो जाती है अगर मार्केट में डिमांड कम हो गई तो प्रोडक्शन कम हो जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हो जाता है और प्रोडक्शन कम हो गया तो उस कंट्री का ग्रोथ भी कम हो जाता है इसलिए गवर्नमेंट भी सीरियसली सोच रही थी यहाँ पे कि नहीं ओके okay, हमने क्रेडिट अलाउ करना चाहिए नो डाउट क्रेडिट अलाउ करने से यहाँ पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा ओके okay, जैसे पहले जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक हज़ार यहाँ पर और चौदह सौ यहाँ पर यानी चौबीस सौ रुपये का गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता था और वैट आने के बाद ओके okay, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना हुआ एक हज़ार पे और तीन इससे यानी तेरह सौ तो कहाँ चौबीस सौ और कहाँ तेरह सौ अगर आपको लास्ट सेशन याद होगा तो कहाँ पे चौबीस सौ और कहाँ पे तेरह सौ दोस्तों ओके okay, बहुत रेवेन्यू गवर्नमेंट का कम हुआ लेकिन बेटा गवर्नमेंट इसके बारे में नहीं सोचेगी क्योंकि कभी कभी क्या होता है वॉल्यूम में मजा आता है ओके पर क्वांटिटी में मजा नहीं आता है लेकिन वॉल्यूम में होना तो बहुत मजा आता है तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने सोचा कि यार ओके okay, ठीक है पर यूनिट देखा जाए तो हमारा रेवेन्यू बहुत कम हो जाएगा लेकिन अगर प्राइजेस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा प्रोडक्शन बनेगा तो मार्केट में सेल ज्यादा होगा इकोनॉमी बढ़ेगी उससे हमारा ग्रॉस रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और सच में कहो वैट आने के बाद गवर्नमेंट का ग्रॉस रेवेन्यू बड़ा ही बड़ा इसलिए गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू सैक्रिफाइस किया आपको सेट ऑफ देखिए तो ट्रांजैक्शन ओके okay, विद वैट यानी आप जो क्रेडिट ओके okay, इसको वैट क्यों कहते हैं बोलो बेटा वैट क्यों कहते हैं आप बता पाओगे कल का सेशन अगर आपने देखा होगा तो बोलो जल्दी मुझे आपसे आंसर चाहिए इसको वैट क्यों कहते हैं फटाफट बोलिए वैट क्यों कहते हैं आई नीड योर आंसर लाइव स्ट्रीमिंग में जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं आप भी आंसर दीजिएगा बेटा इसको वैट क्यों कहते हैं यस बोलिए फटाफट वैल्यू एडेड एडिशन पे होता है टैक्स अब बेटा यहां पे अगर हम रेट लेके चले बिल्कुल सही है बेटा अगर आप रेट लेके चलो दस परसेंट तो जितना आपने वैल्यू एडिशन किया कितना वैल्यू एडिशन किया आपने तीन हजार ओके तो तीन हजार का दस परसेंट तीन सौ आएगा पर हम डायरेक्ट नहीं निकालते हैं हम आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करते हैं तो ये आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स होगा तो वो आएगा टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन ओके इसलिए इसको वैट कहते हैं अब मैं आपको कहूँ वैट ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है ओके टैक्स ऑनली ऑन

देखो बेटा जीएसटी इज ऑल्सो वैल्यू एडेड टैक्स और अब वैट में क्या ओके okay, एग्जाम्पल तो आपकी थोड़ी ग्रीप आ जाएगी कंसेप्ट में ओके okay, अगर हम वैट का एग्जाम्पल लें तो चलिए जैसा पहला इन्वाइस आपके पास नोट्स होगी तो पहला इन्वाइस वैल्यू ले लो वैल्यू एक लाख समझ लो एक हजार रुपये और उसके ऊपर टैक्स ओके टैक्स एट द रेट टेन परसेंट यानी कितना हुआ सौ रुपए ओके okay, तो मैन्युफैक्चर ने उसको सौ रुपए लगा के दिए ओके टेन परसेंट का टैक्स लगा के दिया चलो अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को बेचा उसका वैल्यू एडिशन फोर हंड्रेड रुपीज है जस्ट प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम करवा रहा हूं आप सभी जो है ओके okay, आप सभी मेरे साथ ये प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ओके okay, और नोट्स होगी तो जरूर मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा अपना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा मेरी रिक्वेस्ट है ओके okay, समझ लो इसका वैल्यू एडिशन चार सौ रुपये वैल्यू एडिशन में खर्चा भी आ गया प्रॉफिट भी आ गया मतलब यहाँ पे प्राइस कितनी होगी यहाँ पे वैल्यू होगी यहाँ चौदह उसके ऊपर टैक्स ले लेते हैं एट द रेट 10% रेट एक ही चलाते हैं क्योंकि गुड सेम है तो रुपए उसके ऊपर टैक्स होगा अब देखो इसका एक स्टेटमेंट बनेगा यानी एक डिस्ट्रीब्यूटर है ओके और डिस्ट्रीब्यूटर अपना स्टेटमेंट बनाएगा क्या स्टेटमेंट बनाएगा स्टेटमेंट ऑफ नेट टैक्स पेबल नेट नेट टैक्स पेबल चलिए दोस्तों अब मुझे यह बताइए कि ये जो ओके okay, डिस्ट्रीब्यूटर अपना स्टेटमेंट बनाएगा ओके okay, कि भाई कितना उसको टैक्स पेबल है डिस्ट्रीब्यूटर तो मुझे ये बताओ ओके okay, मैं अब आपको बता देता हूं मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को पैसा दे दिया और गवर्नमेंट को पैसा यहां पे मैन्युफैक्चरर ने हंड्रेड रुपीज दे दिया अब देखो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि मैन्युफैक्चर का कोई इनपुट नहीं है

डिस्ट्रीब्यूटर का इनपुट टैक्स क्या है बोलिए फटाफट और आउटपुट टैक्स क्या है दोनों बता दो इनपुट टैक्स क्या है और आउटपुट टैक्स क्या है दोनों बता दो। दोनों बता दो बेटा इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स चलो फटाफट आई नीड योर आंसर इनपुट टैक्स सौ रुपए है आउटपुट टैक्स एक सौ चालीस चालीस है ओके है, okay, बिल्कुल सही बेटा तो यहाँ पे आउटपुट टैक्स okay, सबसे पहले लेते हैं कि कितना उसे देना है तो आउटपुट टैक्स पेएबल उसे जो है यहां पे कितना देना है बेटा वन फोर्टी ओके लेस लेस उसको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट बेटा ये लेक्चर अगर कोई फर्स्ट टाइम सुन रहा होगा तो समझने में दिक्कत जाएगी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पहले पुराने लेक्चर देखो ओके okay, और बाद में ये लेक्चर देखो हाँ डेमो के लिए जस्ट आप देखना चाहते हो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ मैं तो अच्छा ही पढ़ाता हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ओके okay, डायरेक्टली आप अगर आप ये लेक्चर देखोगे तो आपको दिक्कत जाएगी तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ओके इनपुट टैक्स क्रेडिट्स को इसके आगे मैं आई वर्ड यूज़ करूंगा क्या वर्ड यूज़ करूंगा आई तो सौ का आपको क्रेडिट दे दिया गया तो आपसे नेट चालीस लिए जाएंगे

होलसेलर अब होलसेलर का वैल्यू एडिशन छह सौ रुपए है होलसेलर का वैल्यू एडिशन छह सौ रुपए है ओके okay, यहां पे तो उसकी परचेस कॉस्ट चौदह सौ रुपए होगी ओके टैक्स ऐड नहीं होगा परचेस कॉस्ट में क्योंकि उसका आईटीसी मिलने वाला है ओके okay, तो यहाँ जो टोटल इन्वाइस प्राइस हुई पंद्रह सौ चालीस रुपए उसमें उसकी परचेस कॉस्ट चौदह रुपए होगी और उसका वैल्यू एडिशन छह सौ सर हम परचेस कॉस्ट पंद्रह सौ चालीस क्यों नहीं ले रहे कल भी मैंने बताया कि अगर आपको क्रेडिट मिलने वाला है तो वो तुम्हारी कॉस्ट नहीं बनती है क्योंकि आपको सेट ऑफ मिलने वाला होता है तो ऐसे सिचुएशन में चौदह सौ प्लस छह सौ यानी दो हजार

ओके okay, होलसेलर का एक स्टेटमेंट बनाया ओके स्टेटमेंट ओके ऑफ नेट टैक्स लाइबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ नेट टैक्स पेबल नेट टैक्स पेबल ये होलसेलर का बन रहा है आउटपुट टैक्स आउटपुट टैक्स उसका उसका कितना है बेटा उसका आउटपुट टैक्स दो सौ रुपए है ओके okay, प्रैक्टिस करो ये बहुत काम आएगा ये तो बहुत बेसिक है आगे आगे देखो होता है क्या और लेस लेस उसका आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट टैक्स एक सौ उसका आई है मतलब बचा कितना बेटा साठ रुपया ओके okay, तो नेट टैक्स पेएबल नेट टैक्स पेएबल कितना बेटा सिक्सटी रुपीज ओके नेट टैक्स पेबल सिक्सटी रुपीज आएगा सभी ने लिखा यस वेरी गुड वेरी गुड बेटा प्रियंका चिराग बहुत अच्छी बात है ओके okay, रितेश आ, वेरी गुड तो नेट टैक्स पेबल यहाँ पे आया सिक्सटी रुपीज चलो डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं ओके okay, अब यहां पे रिटेलर के पास गुड्स आ गया उसकी परचेस कॉस्ट दो हजार रुपये मानी जाएगी ये टैक्स उसकी परचेस कॉस्ट नहीं होगी क्योंकि उसको सेट ऑफ मिलने वाला है उसका वैल्यू एडिशन एक हजार रुपये है मतलब वो आगे कितने वैल्यू में सेल कर रहा है बेटा उसके आगे जो वैल्यू है वो तीन हुई तीन कैसे हुई ओके okay, दो प्लस एक उसका वैल्यू एडिशन यानी तीन हुई और उसके ऊपर वो जो टैक्स है ओके टैक्स एट द रेट चार्ज करेगा यानी कितना चार्ज करेगा बेटा तीन सौ रुपए ओके और कस्टमर को तीन हजार तीन सौ रुपए में गुड्स हाथ में आएगा ठीक है तीन हजार तीन सौ रुपए में गुड्स हाथ में आएगा तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ये भी नेट टैक्स लायबिलिटी निकालेगा ओके तो निक, निक यहाँ पे रिटेलर का रिटेलर का आप स्टेटमेंट बना स्टेटमेंट ऑफ नेट टैक्स पेबल नेट टैक्स पेबल स्टेटमेंट ऑफ नेट टैक्स पेएबल ठीक है तो अब ये इसका नेट टैक्स पेएबल निकलेगा और नेट टैक्स पेएबल बेटा यहाँ पे आउटपुट टैक्स आप लिखो मेरे साथ आउटपुट टैक्स ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है आगे बहुत काम आएगी और एक कॉन्फिडेंस आएगा जब हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसका आउटपुट टैक्स कितना था बेटा तीन सौ रुपया ओके लेस आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट ओके तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो था ओके okay, वो कितना था दो सौ रुपया एंड नेट टैक्स पेबल कितना आया हंड्रेड रुपीज ओके okay, तो नेट टैक्स पेबल आपका जो आ रहा है वो हंड्रेड रुपीज आ रहा है इज इट क्लियर यस और नो यहां तक सबको समझा अगर सबको समझा होगा तो जोर से बोलिए सर हाँ हमें बहुत अच्छे से समझा ओके okay, और आप एक मिठाई भी दे दीजिएगा ओके तो ये मेरे लिए नहीं मुझे जरूरत नहीं है बाकी सबके लिए अगर आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा तो एक मिठाई भी दे दीजिएगा ठीक है तो मिठाई यानी कि आपको सबको पता है तो चलिए बेटा यहाँ पे फटाफट मिठाई मिठाई बढ़नी चाहिए <laughs> चलिए यहाँ पे जमाना मिठाई का है करे क्या आ, तो ये पूरा डिस्कशन हमने किया ये सबको समझ में आया बेटा यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत यस और नो जोर से बोलो यस सर हाउ द जोश हाय सर ठीक है <coughs> चिराग समझ में आ रहा है क्या यस सर चलिए तो डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं ओके चल चिराग चल तेरे लिए एक पोएम यहां पे मैं गाता हूं ओके और अच्छा लगे तो वाह वाह करना वाह वाह करना हाँ सभी के लिए जो भी मुझे ज्वाइन है एक पोयम है अगर आपके दिल को छू जाए तो वाह वाह कीजिएगा देखो बेटा मैं टीचर हूं मैं कोई सिंगर नहीं हूं या कोई कविता नहीं बनाता हूं पर एक कविता कहीं सुनी थी अच्छी लगी थी तो मैं आपको ये सुनाना चाहूंगा ओके <coughs> वाह वाह कहिएगा <coughs> और आपके दिल को ये कविता छूनी चाहिए हा <coughs> जब से हूं तुझसे सब से मिलना मिलाना छोड़ी दिया कहो वाह वाह कहो जब से हूँ तुझसे सबसे मिलना मिला, सब मिला छोड़ दिया चलिए वाह कह रहे हो ओके <clears throat> आगे की लाइन सुनना अगर आपके दिल को छू जाए तो दाद दीजिएगा जब से हूँ तुसे सबसे मिलना मिला, सब मिला, मिला छोड़ दिया ठीक <coughs> है अब देखो यहाँ पे हाँ आगे की लाइन बहुत अच्छी है ध्यान से सुनना मेरे लिए उस पागल ने भी सारा ज़माना छोड़ दिया मेरे लिए उस पागल ने भी सारा ज़माना छोड़ दिया <coughs> आगे सुनना और एक वर्ड आएगा इत्र इत्र मतलब परफ्यूम आपको पता ही होगा उसकी चाहती की खुशबू में महका महका रहता हूं उसकी चाहती की खुशबू में महका महका रहता हूं जब से उसका साथ मिला है इत्र लगाना छोड़ दिया जब से उसका साथ मिला है इत्र लगाना छोड़ दिया ओके सो थैंक यू थैंक यू बेटा ऐसे हमारे कॉलेज लाइफ में हम छोटे छोटे ऐसे सॉन्ग बनाते थे मुझे एक पुराना सॉन्ग जब ऐसे हम ब्रिज पे बैठे थे टाइम पास टपोरीपन कर रहे थे ओके okay, और एक सॉन्ग हम दोस्तों ने मिलके बना लिया ओके okay, वो दो लाइन में गाता हूँ आपको अगर अच्छा लगे तो दाद दीजिएगा चलो <coughs> सॉन्ग <सौंग> है <coughs> क्या करू डैडी पड़ोसन सनपर्ण नहीं देती अब ये कोई मूवी में नहीं मिलेगा हमने बनाया क्या करू डैडी पड़ोसन सनपण नहीं देती क्या करू मम्मी पड़ोसन सोन नहीं देती क्या करू डैडी पड़ोसन सनपण नहीं देती बार बार टैरिस पर आके मुस्कुराती है होय क्या करू डैडी पड़ोसन पढ़ नहीं देती सो थैंक यू बेटा थैंक यू ओके तो ऐसा टाइम पास होना चाहिए और यही आपकी लाइफ है बेटा यही आपकी एज है कि एंजॉय करो बहुत चलो पर पढ़ाई को नहीं भूलना है पढ़ाई के साथ तो आप ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे फटाफट ओके हमारा आगे का डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे आर यू रेडी जोश से बोलो हाउ इज द जोश हाय सर चलो 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 आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से क्रेडिट कंसेप्ट हमने देखे और ये क्रेडिट कंसेप्ट में ध्यान से देखिएगा अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा हर स्टेज पे ओके okay, रिपीट कर रहा हूं पर जरूरी है हर स्टेज पे टैक्स उतना ही आएगा जितना वैल्यू एडिशन अगर हम रेट को 10 परसेंट लेके चले क्योंकि हमने पूरे स्ट्रीम में 10 परसेंट का रेट लिया तो अगर आप देखोगे यहां पे तो 400 उसका 10 परसेंट हमने गवर्नमेंट को नेट कितना दिया चालीस रुपया गवर्नमेंट को चालीस रुपया दिया इसने वैल्यू एडिशन कितना किया था बेटा छह हमने कितना दिया साठ नेट उतना ही दिया ओके उसके बाद में इसने वैल्यूएशन कितना किया था एक हजार रुपया इसका दस परसेंट सौ रुपया हमने गवर्नमेंट को उतना ही दिया और यहां पे बेटा एक और अच्छी बात बताता हूं जो बड़ी आपको मैजिकल लगेगी ओके पूरा सिस्टम में कौन सी सर ये तो बताइए ना क्या मैजिकल लगेगा हमें ओके देखो <coughs> मुझे बताओ गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चर से कितना पैसा लिया था गवर्नमेंट ने 100 रुपया लिया ओके okay, मैन्युफैक्चर से सौ रुपया लिया फिर डिस्ट्रीब्यूटर से कितना लिया चालीस एक सौ चालीस रुपया हो गया ओके okay, उसके बाद में दो सौ रुपया, 200 रुपया हो गया, okay, कितना तीन सौ रुपया गवर्नमेंट का जो टोटल कलेक्शन है वो लास्ट इन का टैक्स होना चाहिए कम ऑन गवर्नमेंट का जो टोटल कलेक्शन है वही लास्ट इनवॉयस का टैक्स होना चाहिए यानी कहीं पे भी डबल टैक्सेशन नहीं होगा ओके जितना वैल्यू एडिशन है उतना ही टैक्स होगा कर लो आप टोटल ओके जितना गवर्नमेंट से आपने कलेक्ट किया अगर पूरे टोटल में देखोगे तो जितना गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है सबकी टोटल लास्ट स्टेज तक जब तक एंटायर बर्डन अल्टीमेट कंज्यूमर को पास ऑन नहीं होता है वो टोटल उतनी ही आएगी बोलो वाह वाह ओके बोलो वाह वाह अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा तो बोलिए वाह वाह तो चलिए ओके ये था बेटा रिगार्डिंग टू आई टी सी ओके इनपुट टैक्स क्रेडिट कंसेप्ट क्लियर यहां तक कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं आगे बढ़ू यस और नो चलो आगे बढ़ते हैं डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अब मैं आपके उस सवाल का आंसर दूंगा यस उस सवाल का आंसर दूंगा जहां हमने यह डिस्कस किया था ओके okay, जहां हमने ये डिस्कस किया था कि आईजीएसटी का रेवेन्यू जो है फिफ्टी परसेंट डेस्टिनेशन स्टेट के साथ क्यों शेयर किया गया और जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों कहते हैं ओके वाई जीएसटी कॉल्ड एस ओके दो सवालों के आंसर ओके okay, पहला सवाल आपका ये होगा कि सर ओके वाई फिफ्टी परसेंट ऑफ आई रेवेन्यू

डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ओके ध्यान से सुनिएगा अब मैं जो कहने जा रहा हूं यहां पे, ओके बेटा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ध्यान से देखिएगा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और स्टेट ऑफ राजस्थान स्टेट ऑफ राजस्थान अब जो है सेलर यहां से गुड्स दे रहा है बी को बी को सप्लाई कर रहा है इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है दर गुड्स और सर्विस इंटरस्टेट हो रहा है जिसकी वैल्यू जो है ध्यान से देखिएगा जिसकी वैल्यू एक लाख रुपए है जिसकी वैल्यू ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं जिसकी वैल्यू यहां पे एक लाख रुपए है और जीएसटी जो है जिसकी वैल्यू एक लाख रुपए है और इसके ऊपर आईजीएसटी पूरा फुल रेट से एट द रेट मैं ट्वेल्व परसेंट लेता हूं आईजीएसटी का रेट ट्वेल्व परसेंट मतलब पांच भी हो सकता है ट्वेल्व भी हो सकता है अठारह भी हो सकता है अट्ठाइस भी हो सकता है अलग अलग गुड्स और सर्विसेज पे अलग अलग रेट है ओके okay, तो ऐसे केस में बारह हजार रुपए जो है ओके बारह हजार रुपए यहाँ पे आईजीएसटी लगा ये आईजीएसटी का पूरा रेवेन्यू यहाँ पे आईजीएसटी का पूरा रेवेन्यू जो है वो किसको जाएगा बेटा ये आईजीएसटी का पूरा रेवेन्यू सेंट्रल को जाएगा आईजीएसटी का पूरा रेवेन्यू यहाँ पे सेंट्रल को जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट ये लेवी करेगी क्योंकि दो स्टेट का मामला है अब अब मैं आपके कि ये जो बी ने माल खरीदा एस से बी ने माल खरीदा एस से ये माल बी राजस्थान में बेच रहा है और वो आगे इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है अब ये इंट्रा स्टेट सप्लाई जब वो करेगा समझ लो दो लाख रुपए का इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है सेम माल दो लाख में राजस्थान में बेच रहा है अब बेटा वो जब राजस्थान में बेच रहा है दो लाख रुपए का वो वो इंट्रा हुआ, तो वो इंट्रा हुआ हुआ तो तो ध्यान से देखिएगा अब बहुत इंपॉर्टेंट और टर्निंग पॉइंट है मैं सबका ध्यान चाहूंगा कोई टाइम पास नहीं करेगा ओके इधर ध्यान दो ओके तो सी जीएसटी रियो बेटा सीजीएसटी सिक्स परसेंट का लग रहा है और एसजीएसटी और ये एस जीएसटी सिक्स परसेंट का लग रहा है यानी दो लाख का छह परसेंट कितना हुआ कमाउंड कितना हुआ बेटा बारह हजार रुपए करेक्ट ओके और ये भी बारह हजार रुपए ओके यहां तक सबको क्लियरली समझ में आ रहा है यस और नो ओके तो चलो ये इतना टैक्स आएगा तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये जो बी है ना बी इसका इनपुट टैक्स क्या है और इसका आउटपुट टैक्स क्या है इसका इनपुट टैक्स क्या है और इसका आउटपुट टैक्स क्या है मैं आपसे पूछना चाहूंगा बोलो फटाफट आंसर का वेट कर रहा हूं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं फटाफट बोलिएगा फटाफट बोलिएगा मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं आउटपुट मुझे लिख के दो आउटपुट टैक्स इसका 12000 प्लस 12000 रहेगा और इनपुट टैक्स आईजीएसटी रहेगा 12000। दूसरा सवाल ये जो एसजीएसटी लगा ये एसजीएसटी कौन से स्टेट का रेवेन्यू रहेगा ये एस जीएसटी कौन से स्टेट का रेवेन्यू रहेगा जो राजस्थान में लगा हुआ है सर इनपुट सिक्स के नहीं 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 उसके इनवाइस में तो बारह हजार लग के आया इनपुट टैक्स सिक्स के नहीं उसके इनवाइस में जो है बारह हजार लग के आया क्योंकि पूरे टोटल आई लग के आया है सर बारह हजार इनपुट रहेगा और चौबीस हजार आउटपुट रहेगा करेक्ट नैंसी आपने सही आंसर दिया है ओके okay, और दूसरा सवाल मैंने पूछा था कि ये जो छह टका रेवेन्यू है ये बारह हजार रुपए का किसका रेवेन्यू रहेगा तो आपके आंसर आ रहे हैं okay, ओके सुहानी ने कहा है सर राजस्थान का रहेगा वेरी गुड ओके okay, नैन्सी ने कहा है कि राजस्थान का रेवेन्यू रहेगा वेरी गुड ओके okay, बिल्कुल बेटा मान गया आपको चलो अब ये रेवेन्यू जो है ना ये राजस्थान का है एस का राजस्थान का है अब अब बेटा सेंट्रल क्या करेगी सेंट्रल ये आई क्योंकि आपके आपकी इनवाइस में तो आईजीएसटी स्प्लिट नहीं होगा आपको जब इनवाइस मिलेगा तो ये इनवाइस में आईजीएसटी तो पूरा लग के आएगा वो वो स्प्लिट नहीं होगा ठीक है हाँ सेंट्रल के पास बारह हजार रुपए जमा हो गया सेंट्रल के पास बारह हजार रुपए जमा हो गया अब ये बारह हजार में से सेंट्रल का सेंट्रल ने कहा है ये कि इसमें से फिफ्टी परसेंट ओके इसमें से जो है फिफ्टी परसेंट यहां पर सेंट्रल रख लेगी 50% परसेंट सेंट्रल रखेगी और 50% परसेंट हम स्टेट को देंगे ये बाद में इनवाइस में नहीं स्प्लिट होगा इनवाइस में तो टोटल अमाउंट रहेगा वो कलेक्ट हो जाएगा और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट बांटेगी तो बेटा अब देखो अगर ये तो ठीक है सेंट्रल का यहां पे पचास टका यानी छह हजार रुपए ओके सेंट्रल का पचास टका यानी छ हजार और बाकी का ओके okay, स्टेट का अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये छे हजार रुपए आईजीएसटी का सेंट्रल ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दे दिया यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दे दिया तो गड़बड़ क्या हो जाएगी अब सुनना मेरी बात ध्यान से अगर ये छह हजार रुपए स्टेट का जो हम नारा कल का डिस्कशन मतलब लास्ट सेशन का डिस्कशन था कि अगर ये छह हजार रुपए ओरिजिन बेस ओरिजिन महाराष्ट्र से था अगर ये छह हजार रुपए महाराष्ट्र को दे दिया तो फिर गड़बड़ क्या हो जाएगी गड़बड़ी ये होगी कि जब ये मिस्टर बी जो है अपने आउटपुट जीएसटी में ध्यान से सुनिएगा अपने आउटपुट जीएसटी में इनपुट का क्रेडिट लेने जाएगा ओके सुनना ध्यान से ये उसके आउटपुट जीएसटी में जब इनपुट का क्रेडिट लेने जाएगा तो राजस्थान गवर्नमेंट उसको अपने एसजीएसटी से सुनना अपने एसजीएसटी से आईजीएसटी का 50 परसेंट क्रेडिट अलाउ नहीं करेगी एक बार फिर से उसका आउटपुट टैक्स पेबल है थोड़ा क्रिटिकल कंसेप्ट है पर मैं चाहूंगा आपका ध्यान चाहिए अगर आपको समझ में आ गया ना तो बेटा आगे के बहुत सारे कंसेप्ट समझ में आएगा ओके okay, आपको आ जाएगी सुनो नॉर्मली आईटीसी में इसके आउटपुट टैक्स में से उसके इनपुट टैक्स का आईटीसी मिल जाता है यह भी हमने देखा अब दूसरी बात कहने जाऊंगा यहां पे इसके आउटपुट टैक्स में सीजीएसटी है और एसजीएसटी है नो no डाउट ओके okay, आईजीएसटी में जो 50 परसेंट पोर्शन है सीजीएसटी का यानी यहां पे आईजीएसटी में 50 परसेंट पोर्शन है सीजीएसटी का उसका तो वो क्रेडिट ले लेगा मतलब 6000 समझ लो सी का है और ओके okay, एस का 6000 है ये आईजीएसटी को डिवाइड कर रहा हूं इसका सीजीएसटी का क्रेडिट तो सीजीएसटी में मिल जाएगा नाउ बचा छे हजार रुपए ओके अब ये छे हजार रुपए अगर सेंट्रल वालों ने महाराष्ट्र को दे दिया ध्यान से सुनना अगर ये छह हजार रुपए सेंट्रल वालों ने महाराष्ट्र को दे दिया तो राजस्थान गवर्नमेंट उसके उसके टैक्स से ये छह हजार का क्रेडिट अलाउ नहीं करेगी ये अलाउ नहीं करेगी बेटा क्यों क्योंकि महाराष्ट्र राजस्थान गवर्नमेंट का कहना होगा कि भाई अगर पैसा तेरे बिल में जो आईजीएसटी लग के आया उसका फिफ्टी परसेंट पैसा अगर महाराष्ट्र ने लिया तो फिर हम क्यों क्रेडिट अलाउ करें हम हमारा रेवेन्यू कम क्यों करें यानी वाह कलेक्शन महाराष्ट्र करेगा और सेट ऑफ हम दे यानी हमारा रेवेन्यू कम करे no, नो सॉरी नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता इसलिए यहां पे आईजीएसटी का जो स्टेट वाला रेवेन्यू है वो ओरिजिन स्टेट को नहीं दिया गया क्योंकि अगर वो ओरिजिन स्टेट को पैसा दे दिया जाए तो राजस्थान गवर्नमेंट आगे जो है उसका क्रेडिट अलाउ नहीं करेगी उतने 50 परसेंट पोर्शन का अपने रेवेन्यू के अगेंस्ट में इसीलिए बेटा ओके यहां पे ये डिसाइड हुआ जीएसटी में आई रिपीट ओके जीएसटी में ये डिसाइड हुआ कि नहीं ये फिफ्टी रेवेन्यू जो है ये राजस्थान गवर्नमेंट को ही दिया जाए अगर ये राजस्थान गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे दिया गया है तो राजस्थान गवर्नमेंट ओके आई जी का 50 परसेंट रेवेन्यू अगर राजस्थान को दिया जाएगा तो ऐसे केस में राजस्थान गवर्नमेंट आगे उसका ओके क्रेडिट अलाउ करेगी आगे उसका क्रेडिट अलाउ करेगी और इस तरह से क्रेडिट का फ्लो कंटिन्यू रहेगा फ्री फ्लो रहेगा डबल टैक्सेशन नहीं होगा ओके okay, अगर वो रेवेन्यू राजस्थान गवर्नमेंट को मिला आपको ये बात आई क्या समझ में जोर से बोलो अगर आई होगी वो क्रिटिकल पॉइंट था बेटा लेकिन आई होगी या आपके जो भी डाउट्स डौ, डौ, और सवाल हो मैं एंटरटेन करूंगा पर आई होगी तो जोर से बोलो यस सर समझ में आ गई ये बात ओके okay, तो इसीलिए ओके आईजीएसटी का फिफ्टी परसेंट रेवेन्यू डेस्टिनेशन स्टेट को दिया गया आई रिपीट डेस्टिनेशन स्टेट को दिया गया और इसलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहते हैं इसको ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं कहते इसको डेस्टिनेशन बेस टैक्स कहते हैं ओके okay, आया क्या आपको बात समझ में फुल जेपा सर थैंक यू सुहानी थैंक यू ओके okay. ಎಸ್ ಸರ್ ಯಾನೇಶ್ವರ್ ಸಾವನ್ ನಮೀನ್ हाँ यस टेक ब्रो यस सी एस टी ओरिजिन बेस था इसलिए सी एस टी के क्रेडिट नहीं मिलते थे और सी एस टी के क्रेडिट नहीं मिलते थे तो वो कैस इफेक्ट होता था तो हमने जीएसटी में ये बात ही नहीं रखी जीएसटी में हमने डेस्टिनेशन बेस रखा सो so दैट आगे वाले को क्रेडिट ओके okay, सो so दैट राजस्थान गवर्नमेंट उसका क्रेडिट अलाउ करेगी यानी ये आई जी एस टी का क्रेडिट ओके सी जी एस टी में भी अलाउ करेगी सी जी एस टी पेमेंट के लिए भी अलाउ करेगी और ये आई जी एस टी का क्रेडिट वो एच जी एस टी पेमेंट के लिए भी अलाउ करेगी आई होप टेक ब्रो आपको समझ में आया होगा चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं अगर आपको यह कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो यस और नो चलिए मैक्सिमम स्टूडेंट का यही कहना है okay, कि बहुत अच्छे से समझ में आया और अच्छे से समझ में आया तो एक मिठाई हो जाए बस <laughs> चलिए हमने देखा यहां पे अब थोड़ा हम पीछे आते हैं नोट्स में और यहां पे, अब जीएसटी का थोड़ा बहुत डेवलपमेंट देखते हैं देखिए इस पे आ जाइए थोड़ा पीछे आ जाइए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर जीएसटी अब हमने यहाँ पे आईटीसी टी देख लिया जीएसटी कैसे डेवलप हुआ ये भी देख लिया जीएसटी क्यों लाया ये भी देख लिया पर आपको तो एक चीज़ पता है क्या पता है आपको कि कोई भी टैक्स हम इंडिया में लगा नहीं सकते फिर वो क्यों ना नया जीएसटी टैक्स हो जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है जब तक हम उससे रिलेटेड लॉ नहीं बनाते हैं तो हमें पहले जीएसटी लॉ बनाना पड़ेगा जीएसटी लॉ के लिए हमें सोर्स चाहिए क्योंकि तीन लिस्ट दी है लिस्ट वन लिस्ट टू लिस्ट थ्री लिस्ट वन कॉल यूनियन लिस्ट लिस्ट टू कॉल स्टेट लिस्ट और लिस्ट थ्री कॉल कॉन्करेंट लिस्ट तो ये तीन लिस्ट जो है इसमें जीएसटी की एंट्री होना जरूरी है क्योंकि अगर इसमें जीएसटी की एंट्री होगी तो ही हम जीएसटी लॉ बना पाएंगे ओके okay, और इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है आपको पता है डिवाइडेड बाय सेंट्रल एंड ओके Uh, बेटा मटेरियल तो अगर आप डिस्क्रिप्शन कॉलम देखोगे ओके इस वीडियो का तो मैंने नोट्स फॉर प्रिंटिंग दिया है ओके okay, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे बेटा मटेरियल ओके या इसके पहले के लेक्चर में डिस्क्रिप्शन कॉलम में मैंने दिया है नोट्स फॉर प्रिंटिंग उसकी लिंक दी है गूगल ड्राइव की लिंक ठीक है चलिए तो अब यहाँ पे देखो करंटली फिजिकल पावर बिटवीन सेंटर और स्टेट आर क्लियरली डिमार्केटेड एज पर लिस वन टू और थ्री इसका मतलब ये कि आज का मतलब जीएसटी आने के पहले हमारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान जो था वो बहुत क्लियर था सेंटर किस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है वो लिस्ट वन में था स्टेट किस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है वो लिस्ट टू में था और दोनों एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे दोनों गवर्नमेंट अप अपने लॉज बना सकती है अप अपने लॉ अप अपने लॉ बना सकती है वो भी क्लियर था ओके okay, यहाँ पे Now, उसके बाद में सेंटर हैज़ पावर टू लेवी टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड एक्सेट्रा उसके बाद में स्टेट के पास सेल्स ऑफ गुड्स के लिए पावर थी ओके इंटरस्टेट इंटर स्टेट की पावर सेंट्रल के पास थी पर कलेक्शन स्टेट का था ओके okay, तो ऐसे कुछ अलग अलग चीजें थी अब जीएसटी के लिए यहां पर ओके okay, कुछ नया सोचा गया और जीएसटी के लिए क्या सोचा गया मैं आपको बताता हूं चलिए अगर बेटा आप आर्टिकल 246 फोर्टी सिक्स शेड्यूल सेवन में आते हो मैंने आगे पेज पे दिया है अब मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनना लिस्ट लिस्ट में ओके अगर ये तीनों देख ले क्योंकि ये लिस्ट से जब तक पावर नहीं मिलेगी हम लॉ नहीं बना पाएंगे ओके लिस्ट वन लिस्ट टू और लिस्ट थ्री से और जीएसटी के लिए स्पेसिफिक पावर लिस्ट वन में भी नहीं थी यानी आर्टिकल 246 फोर्टी शेड्यूल सेवन के लिस्ट में भी जीएसटी के लिए स्पेसिफिक पावर नहीं थी लिस्ट टू में भी स्पेसिफिक पावर नहीं थी और लिस्ट थ्री में भी स्पेसिफिक पावर नहीं थी हाँ लिस्ट ऐसी बनाई गई थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना अब थोड़ा थेटिकल डिस्कशन है थोड़ा बहुत बोर भी हो सकता है पर बहुत इंपॉर्टेंट भी है ओके okay, तो यहां पे हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना बेटा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त ओके गुड्स का पावर सेंट्रल और स्टेट को दिया गया सर्विस का पावर सेंट्रल को दिया गया ओके सर्विस टैक्स लगाने का पावर सेंट्रल को दिया गया ओके लग्जरी टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स लगाने का पावर लिस्ट टू में स्टेट को दिया गया लेकिन एक साथ गुड्स एंड सर्विसेज का टैक्स यानी ऐसा टैक्स जो गुड्स पे भी लग सकता है और सर्विसेस भी लग सकता है एक ही इवेंट पे ऐसी पावर यह लिस्ट में थी नहीं ऐसी पावर यह लिस्ट में थी नहीं अब क्या करें आर्टिकल टू तो फेल हो गया क्योंकि इसके तो पावर ही नहीं है ओके okay, कोई भी टैक्स दोनों पे गुड्स एंड सर्विसेज पे साथ में लगाने का पावर आ गुड्स पे था या सर्विसेज पे था और पावर डिवाइडेड थी आप मेरी बात समझ रहे हो येस और नो तो बेटा ऐसे सिचुएशन में ओके okay, ये डिसाइड हो रहा था जब जीएसटी लाना था तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में ये डिसाइड हो रहा था कि भाई हम जीएसटी जो लाएंगे जीएसटी बिल्कुल एक जैसा लॉ बनाएंगे, एक एक जैसा लॉ बनाएंगे सेंट्रल और स्टेट का वर्ड टू वर्ड एक जैसा लॉ होगा कोई वेरिएशन नहीं होगा सो दैट जीएसटी लॉ समझने को सबको आसानी हो इंडस्ट्री को आसानी हो फॉरेन इन्वेस्टर को आसानी हो और दोनों मिलकर साथ में चलाएंगे यानी पहले जो स्टेट के कंप्लायंसेस अलग होते थे वैट और इसके सेंट्रल के कंप्लायंसेस अलग होते थे ऐसा नहीं एक ही जगह एक ही पोर्टल पे हम कंप्लायंस करवाएंगे सो दैट ओके यहां पे बिजनेसमैन को बहुत आसानी होगी पहले ऐसा था वैट के रिटर्न अलग ऑक्ट्रा एलबीटी के रिटर्न अलग एक्साइज के रिटर्न अलग सर्विस टैक्स के रिटर्न अलग अब ऐसा नहीं है एक ही प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो प्लेटफॉर्म को जीएसटीएन पोर्टल कहा गया कॉमन पोर्टल कहते हैं उसको सेंट्रल और स्टेट का एक कॉमन पोर्टल कहते हैं, एक ही पोर्टल पे वो आएगा और एक ही पोर्टल पे साथ साथ में सीजीएसटी और एसजीएसटी का पैसा भरेगा एक ही रिटर्न देगा सब कुछ कॉमन करेंगे और ये मिलकर यानी 28 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज और सेंट्रल इतने सभी मिलकर ये लॉ बनाएंगे और कॉमन डिसीजन कॉमन पॉलिसीज लेंगे ओके कॉमन पॉलिसीज को चलाएंगे प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा था आइडियल प्रोजेक्ट था इसमें आपकी कंप्लायंस कॉज बहुत ओके okay, से होने वाली थी आपकी कंप्लायंस कॉज बहुत ही सेव होने वाली थी तो ऐसे सिचुएशन में हाँ एक सवाल पूछा गया कि सर, ओके लिस्ट थ्री क्यों फेल हो गई क्योंकि लिस्ट थ्री हाँ जीएसटी लाने में लिस्ट थ्री भी फेल हो गई क्योंकि लिस्ट थ्री में ओके टैक्स रिलेटेड मैटर था ही नहीं टैक्स रिलेटेड मैटर था ही नहीं लिस्ट थ्री में ओके सोशल वेलफेयर मैटर जैसे फॉरेस्ट एजुकेशन वगैरह ये था ओके टैक्स रिलेटेड मैटर आदर लिस्ट वन में था या लिस्ट टू में था लिस्ट थ्री में था ही नहीं इसलिए और हमने ये डिसाइड किया था कि दोनों गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट दोनों साथ में मिलकर ये लॉ को चलाएंगे On, दोनों साथ में मिलकर ये लॉ को चलाए गए तो फिर ये डिसाइड हुआ कि आर्टिकल एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम नए आर्टिकल्स ऐड कर सकते हैं क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हम अमेंड कर सकते हैं तो यस बेटा अगर लोकसभा में मोर देन वोटिंग एज वेल एज राज्यसभा में मोर देन टू थर्ड वोटिंग से हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओके संशोधन कर सकते हैं और अमेंडमेंट कर सकते हैं तो नाउ इस बात को ख्याल में रखते हुए ओके okay, पे जीएसटी लगाने के लिए जहां दोनों मिलकर सेंट्रल एंड स्टेट आई रिपीट सेंट्रल एंड स्टेट दोनों मिलकर ओके okay, ये लॉ चलाएगी और एक कॉमन टैक्स लगाएगी ओके okay, उसके लिए आर्टिकल टू ए लाया गया ओके okay, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से आर्टिकल के थ्रू जीएसटी लगाने की पावर ली गई इसलिए एग्जाम पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay, देखिएगा एग्जाम पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा देखो तो यहां जहां तक देखा जाए तो ये है सोर्स एंट्री थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन जहां से हम लॉ बनाएंगे जीएसटी का और जीएसटी लगाने की पावर ओके okay, हम लेंगे तो अब इस सोर्स एंट्री को मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ता हूं ओके okay, आप भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा थेरोटिकल डिस्कशन है पर आपका ध्यान चाहूंगा और बात आप तक पहुंच जाए तो दाद दीजिएगा बेटा ठीक है तो देखिए नॉट विस्टैंडिंग टू एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल टू एंड टू मतलब अभी अभी जो मैंने आर्टिकल टू बताया और एक आर्टिकल टू वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ओके okay, ये दो आर्टिकल में कुछ भी लिखा हो आपने मानना नहीं ओके नॉट स्टैंडिंग टू मतलब मैं मेरा राजा हूं मैंने जो बोल दिया सो so बोल दिया और एक बार जो मैं बोल देता हूं तो अपने आप आपकी नहीं सुनता हूं मतलब ये सेक्शन प्रिवेल कर देगा सभी पे ओके okay, तो आर्टिकल 246 और 254 बिल्कुल मत सुनो उसकी बात जो मैं कहूंगा वही ओके okay, तो यहां पर वो क्या कहते देखो पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉस सब्जेक्ट टू क्लॉस टू लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट पार्लियामेंट एंड एंड का मतलब होता है दोनों मिलकर और नहीं है पार्लियामेंट एंड लेकर इम्पोज बायियन और बाय मतलब दोनों मिल पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ ओके बना सकते हैं ओके okay, और ये जो है यूनियन और स्टेट जो है ओके okay, साथ में Levy कर सकते हैं लाइबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं ओके okay, तो ये था ओके okay, पावर मिली सेंट्रल को और स्टेट को दोनों मिल पे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे टैक्स लगा सकते हैं ओके okay, वो है सी जी एस टी एस जी एस टी ड्यूएल मॉडल में हमने देखा अब सबसेक्शन टू क्या कहता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सॉरी सब आर्टिकल टू क्या कहता है सब आर्टिकल टू कहता है पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विध रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स वेर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोट टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स ओके ये भी आर्टिकल क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमारा संविधान कहता है कि अगर बात इंटरस्टेट की है कमॉन अगर बात इंटरस्टेट की है तो बोलो इंटरस्टेट में कौन सा टैक्स लगता है कमॉन फटाफट बोलो इंटर स्टेट में कौन सा टैक्स लगता है, IGST, अगर बात की है तो वो केस में एक्सक्लूसिव पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगा मतलब कलेक्ट करेगा तो हाँ बाद में वो शेयर वो स्टेट के साथ वो शेयर कर देगा लेकिन ओके इंटर स्टेट के, के एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट के पास है कि वही लॉ ओके यहां तक समझ में आया किसी को कोई डाउट यस yes, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं किसी को कोई डाउट यहां तक सबको समझ में आया यस और नो जोर से बोलो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं नाउ ये एक्सप्लेनेशन क्या कहता है देखिए ये एक्सप्लेनेशन कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ़ गुड्स एंड सर्विसेस रेफर्ड इन 279 ए 5 आर्टिकल 279 ए सब क्लॉज 5 टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन बाय ओके जीएसटी काउंसिल ओके गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल अब देखो मैं आपको बता देता हूं यहां पे क्या हुआ यहां पे सबसे पहले तो ये काउंसिल का मीनिंग समझ लो क्या हुआ कि ये डिसाइड हुआ कि इंडिया के 28 स्टेट्स उसके बाद में एट यूनियन टेरिटरीज मैं ट्वेंटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा यूनियन टेरिटरी हो गई पहले ट्वेंटी नाइन स्टेट्स है तो सभी स्टेट यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब मिलकर कॉमन डिसीजन लेंगे और कॉमन डिसीजन पे लॉ बनाएंगे कोई इजी जॉब नहीं था तुम देख रहे हो कितने झगड़े होते हैं सेंट्रल और स्टेट में इतना सिंपल था क्या कि हर स्टेट को समझाना कॉमन डिसीजन पे लाना सब स्टेट के हर के अपना सीएम झगड़ता है वो उनका फाइनेंस मिनिस्टर झगड़ता है तो ऐसे सिचुएशन में okay, यहाँ पे फिर ये डिसाइड हुआ कि ये कैसे मैनेज करेंगे कि आज अगर समझ लो जीएसटी में ये पर्टिकुलर चेंज करना है तो सभी स्टेट को समझाओ यूनियन टेरिटरी को समझाओ ओके और सब फिर कॉमन डिसीजन पे आएंगे और फिर ये जीएसटी में चेंज लाया जाएगा ये कैसे करेंगे हम हम इतना कोई आसान तो नहीं है इसलिए एक इसकी परिषद बनाई जाएगी यानी काउंसिल बनाया जाएगा ओके जिसका नाम रहेगा जीएसटी काउंसिल जिसके हेड हो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हम जीएसटी काउंसिल के बारे में आगे बात करेंगे सर ओके जीएसटी काउंसिल के बारे में आगे बात करेंगे तो ऐसे केस में जीएसटी काउंसिल जो है ओके okay, ये एक परिषद बनाई जाएगी ये परिषद के हेड रहेंगे हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ओके okay, यहाँ पे चेयरमैन रहेंगे और सभी स्टेट्स के ओके okay, सीएम और उनके स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर होंगे तो ये काउंसिल ये परिषद हर महीने में ओके जब जब भी कुछ चेंज करना है तो ये सभी ओके मेंबर्स स्टेट्स के और सेंट्रल के साथ में बैठते हैं और कॉमन डिसीजन लेते हैं तो जीएसटी काउंसिल उसे कहा जाता है ओके आपको ये बात समझ में आई बेटा यस तो यस रोहित बिल्कुल बिल्कुल ओके तो बुला लेंगे यार तुम्हारे लिए कुछ भी तो अब ऐसे केस में ठीक है ठीक है रोहित तो यार चलिए अब वो कहना क्या चाहते हैं इस पॉइंट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा आप तक पहुंच जाए तो दाद दीजिएगा बेटा ओके और जोर से कहिएगा वाह वाह आपने वाह वाह किया मैं समझ जाऊंगा कि आपके समझ में आ गया है ठीक है तो अब हुआ क्या बेटा मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि वो ये कहते हैं कि ये जो आर्टिकल है ओके प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल इस आर्टिकल में जीएसटी लगाने का पावर दिया है पर ओके आर्टिकल 279 ए सब क्लॉज फाइव में जो गुड्स कवर्ड है उसके ऊपर फिलहाल जीएसटी नहीं लगाया जाएगा रिटेक मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं फिलहाल जीएसटी नहीं लगाया जाएगा जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंड नहीं करता है अब मैं थोड़ा आपको अलग ढंग से समझाता हूं आर्टिकल कहता है इंडिया में जितने भी गुड्स और सर्विसेज जब-जब सर्विस सप्लाई करेगा, करेगा सर्विसेज सप्लाई करेगा सब पे जीएसटी लगाया जाएगा लेकिन एक्सप्लेनेशन कहता है कि कुछ गुड्स और सर्विसेज पे जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंड नहीं करेगा तब तक उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा तो भाई अब आपका नेक्स्ट सवाल आता है कि सर आर्टिकल 279 सेवेंटी नाइन ए क्लॉस फाइव में कौन कौन से गुड्स कवर्ड है तो उसमें कवर्ड है बेटा पेट्रोलियम क्रूड यानी रॉक क्रूड ऑयल आता है जिससे पेट्रोल बनता है पेट्रोल नहीं है पेट्रोलियम क्रूड यानी रॉक क्रूड ऑयल आता है जिससे पेट्रोल बनता है हाई स्पीड डीजल यानी अपना डीजल जो पेट्रोल पंप पे मिलता है मोटर स्पिरिट मोटर स्पिरिट यानी पेट्रोल जो रिफाइंड पेट्रोल आपको पेट्रोल पंप पे मिलता है नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल आई रिपीट नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल ये जो पांच आइटम है आपको लर्न करने पड़ेंगे एक बार सभी मेरे साथ ओके okay, कौन कौन से गुड्स पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट यानि पेट्रोल नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल ये पांच आइटम है एक डीजल दो ओके okay, मोटर स्पिरिट तीन ओके मोटर स्पीड तीन नेचुरल गैस चार और एविएशन टर्बाइन फिल पांच ओके बेटा अभी अल्कोहल को बीच में मत लाओ। चिराग अल्कोहल को बीच में मत लाओ। ओके okay, अल्कोहल को मैं बाद में बताता हूँ ठीक है तो ये जो पांच आइटम्स है ओके okay, मोस्टली सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इसको आप शॉर्ट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कह सकते हो ये पांच आइटम्स पे उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि जीएसटी नहीं आएगा जीएसटी आएगा पर उस दिन आएगा जिस दिन जीएसटी जीएसटी आएगा अब करेगा उस दिन से, से लेकर अभी तक तो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया नहीं और इन आइटम पे जीएसटी नहीं लगेगा सर अगर अगर इस आइटम पे जीएसटी नहीं लगेगा तो क्या इन आइटम पे कोई टैक्स नहीं है अगर कोई टैक्स नहीं है तो फिर पेट्रोल इतना महंगा क्यों है बेटा बेटा ध्यान से सुन ओके ये आइटम पे अभी जीएसटी नहीं है ओके okay, लेकिन जो पुराने टैक्सेस थे वो तो कंटिन्यू है अब पुराने टैक्सेस कंटिन्यू है मतलब क्या ओके okay, पुराने टैक्सेस कंटिन्यू मतलब एक्साइज तो लग रहा ही है आज भी इस पे लग रहा है सेल्स टैक्स वैट सी इसके ऊपर ऑलरेडी आज भी लग रहा है ओके okay, यानी ये जो पांच एटम्स है वो अभी एग्जिस्टिंग लॉ में है एग्जिस्टिंग मतलब जो पुराने लॉ थे कौन से पुराने लॉ थे बेटा ओके okay, पुराने लॉ जो थे यहाँ पे एक्साइज वैट वगैरह उसमें अभी भी रहेगा अब आपका एक सवाल हो सकता है सर एविएशन टरबाइन फ्यूल क्या होता है ओके okay, एयरक्राफ्ट के लिए स्पेशल पेट्रोल होता है आई रिपीट एयरक्राफ्ट के लिए स्पेशल पेट्रोल होता है उस पेट्रोल का नाम होता है एविएशन टरबाइन फ्यूल ओके okay, तो ये एयरक्राफ्ट यानी प्लेन का पेट्रोल कहा जाता है तो बेटा ये पांच आइटम ओके okay, अभी जीएसटी में नॉन टैक्सेबल कहे जाएंगे यानी अंडर जीएसटी लॉ ये पांच आइटम जो है ये पांच आइटम ओके अंडर जीएसटी लॉ जीएसटी लॉ ये नॉन टैक्सेबल कहे जाएंगे यानी जीएसटी नहीं लगेगा इसके ऊपर नॉन टैक्सेबल कहे जाएंगे ओके ये पहला पॉइंट और दूसरा अबो गुड्स सॉरी अबो गुड्स गुड्स आर सब्जेक्ट टू

इसका मतलब सर एक्साइज लॉ अबोलिश नहीं हुआ है अबोलिश मतलब हटा पूरा खत्म नहीं हुआ है नहीं वैट पूरा खत्म नहीं हुआ है नहीं सीएसटी भी आज भी इंडिया में है कुछ गुड्स पे ये एक्साइज वैट और सीएसटी लगते हैं और आज भी वो लॉ इंडिया में है पर हमारे सिलेबस में नहीं है हमें सिर्फ जीएसटी पढ़ना है थैंक यू ओके तो ये पांच आइटम अब आपका एक सवाल होगा सर क्यों इनको क्यों नहीं लाया गया जीएसटी में क्योंकि बेटा अगर इनको जीएसटी में लाया जाए तो इनपुट टैक्स के क्रेडिट देना पड़ता है और गवर्नमेंट इन प्रोडक्ट पे क्रेडिट नहीं देना चाहती है क्यों क्योंकि गवर्नमेंट इन प्रोडक्ट पे डबल टैक्सेशन चाहती है क्योंकि गवर्नमेंट इन प्रोडक्ट पे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहती है सर पर गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाहती है क्योंकि पैसा है पैसा और ये प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा पैसा है तो गवर्नमेंट इन प्रोडक्ट पे कैस्केडिंग इफेक्ट चाहती है इसलिए अगर इसको जीएसटी में लाया तो आईटीसी क्रेडिट अलाउ करने पड़ेंगे और गवर्नमेंट आईटीसी क्रेडिट इनको अलाउ नहीं करेगी ओके इवन तो मैंने वैट लिखा है बेटा पर ओके okay, ये वैट में भी क्रेडिट अलाउड नहीं है यानी मैन्युफैक्चर से डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर इन प्रोडक्ट पे कैस्केडिंग इफेक्ट है ओके कोई आई अलाउड नहीं ओके तो गवर्नमेंट फिलहाल तो इनके ऊपर जीएसटी नहीं लाना चाहती है लेकिन अभी बीच में कांग्रेस गवर्नमेंट डिमांड कर रही थी कि भाई मोदी जी को कहो कि पेट्रोल जीएसटी में लाया जाए क्योंकि अगर पेट्रोल जीएसटी में आ गया ना बेटा तो क्रेडिट क्रेडिट कंसेप्ट मिला और क्रेडिट अगर अलाव हो गया तो आपकी प्राइस बहुत कम हो जाएगी लगभग अस्सी का पेट्रोल आपको आपके हाथ में आएगा पचास में अगर ये जीएसटी में आ गया लेकिन ना स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है ना सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स का रेवेन्यू मिल रहा है सीएसटी का रेवेन्यू मिल रहा है है और सेंट्रल को एक्साइज का रेवेन्यू मिल रहा है तो दोनों गवर्नमेंट अभी कोई इंटरेस्टेड नहीं है और जीएसटी काउंसिल ओके बनाई सेंट्रल और स्टेट्स से है और वो अभी तक कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है कि इसको जीएसटी में लाया जाए लेकिन जिस दिन ये पांच आइटम जीएसटी में आ जाएंगे उस दिन देखना कम से कम 30 से 40 रुपए से आपकी प्राइस कम हो जाएगी दोस्तों 30 से 40 रुपए कम ओके okay, जोक नहीं है हाँ कनिका वैट मैं मानता हूं कनिका कि यहाँ पे इसके ऊपर वैट जो है वैट भी तो वैल्यू एडेड टैक्स है लेकिन बेटा वैट में ये निगेटिव लिस्ट में है मतलब मतलब जो ओके वैट में इनके क्रेडिट अलाउड नहीं है यानी वैट की भी निगेटिव लिस्ट है और वैट में भी इसके क्रेडिट अलाउड नहीं है नाम वैट हो गया है पर यह पहले से निगेटिव लिस्ट में था इज इट क्लियर यस बेटा तो चलिए ओके तो चलो एक बार मेरे साथ रिवाइज करो कौन कौन से पांच आटम पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल कि मोटर स्पीड कॉल एस पेट्रोल नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल तो ये हमने देखा आर्टिकल 246 ए अलोंग विथ क्या एक्सप्लेनेशन तो चलिए आपको अगर बहुत क्लियरली समझ में आया होगा तो बोलिए वाह 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 चलो <coughs> अब जीएसटी आने के बाद आर्टिकल 246 में कुछ उन्होंने अमेंडमेंट्स की वो अमेंडमेंट्स में आपको बता देता हूं कि क्या amendments उन्होंने थोड़ा ये अमेंडमेंट है बेटा मैं सबका ध्यान चाहूंगा अभी तक जो भी पढ़ा है समझ में आया बोलिए यस किसी को कोई डाउट थैंक यू नवीन चलिए अब जीएसटी आने के बाद आर्टिकल 246 में ओके भी चेंजेस किए गए शेड्यूल लिस्ट 1, लिस्ट टू लिस्ट सिक्स में भी चेंजेस किए गए तो यहां क्या चेंजेस किए गए देखिए एंट्री नंबर 84 में अब ध्यान से सुनिएगा एंट्री ओके लिस्ट वन और लिस्ट वन में एंट्री नंबर 84 जो एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड थी और एक्साइज ड्यूटी पहले बहुत सारे गुड्स पे लग, सभी गुड्स पे लगती थी अब उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया अब देखो एंट्री नंबर 84 फोर यही एंट्री में पढ़ा होगा और वो एंट्री क्या कहती है अब जीएसटी आने के बाद ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन फॉलोइंग गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और, और प्रोड्यूस इन इंडिया नेमली अब ऑल गुड्स पे एक्साइज नहीं लगेगी ओनली फॉलोइंग गुड्स पे ही एक्साइज लगेगी जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो गए कौन से बेटा वही पांच आइटम जो अभी हमने देखेंगे पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट नेचुरल गैस एविएशन टर्बाइन फ्यूल ये पांच आइटम जो पहले भी देखे थे तो ये पांच आइटम पे यहाँ पे अभी भी एक्साइज लगेगा और नीचे एक आइटम जो बड़ा इंपॉर्टेंट है ओके okay, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स यानी टोबैको होगा या टोबैको से बनने वाले प्रोडक्ट्स जैसे सिगरेट हुआ ओके okay, बीरी हुआ ओके okay, तो ये टोबैको से पान मसाला हुआ ओके okay, तो ये जो टोबैको से बनने वाले प्रोडक्ट है इसके ऊपर आज भी एक्साइज ड्यूटी लगाया जाएगा यानी ये छह आइटम्स पे पांच वो जो हमने पहले भी पढ़े और एक ओके okay, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स इसके ऊपर यहाँ पे एक्साइज लगाया जाएगा चलिए अब देखो बेटा यहां ये तो लिस्ट वन था बाकी तो कोई चेंजेस हमें पढ़ने नहीं है ओके और कहा मैं मेन मेन कहा चेंज हुए वो बता देता हूं ओके यहाँ पे लिस्ट टू में लिस्ट टू में यहां पे एंट्री फिफ्टी वन अब मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताता हूं एक्साइज बेटा इंडिया में 2017 के पहले जब एक्साइज लगती थी ध्यान से सुनना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडिया में दो के पहले जब एक्साइज लगती थी तो इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्साइज लगाता था सेंट्रल भी लगा रहा है और कुछ गुड्स स्टेट भी लगा रहा है ओके okay, सेंट्रल 2017 के पहले जब जीएसटी नहीं आया था तो सेंट्रल जो है ऑल गुड्स पे ऑल गुड्स पे एक्साइज लगाता था जो इंडिया में प्रोड्यूस और है नो डाउट प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर होना जरूरी था जिसके ऊपर एक्साइज लगाया जाता था और स्टेट जो है स्टेट भी एक्साइज लगाता था लेकिन स्टेट लिमिटेड गुड्स पे लगाता था वो है अल्कोहल अब मैं पिक्चर में लाऊंगा अल्कोहल और ओपीएम ओपीएम एंड नार्कोटिक्स ओ पी नार्कोटिक्स मतलब चरस गांजा वगैरह ओके चरस गांजा इंडिया में उगा सकते हैं पर स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस चाहिए वो बहुत से मेडिसिन में यूज़ होता है तो अल्कोहल और के पी एम नार्कोटिक्स यानी चरस गांजा और या नारकोटिक्स होगा तो वो इंडिया में अगर मैन्युफैक्चर होता है तो इस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी पर वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो एक्साइज का रेवेन्यू ऐसे डिवाइड किया सभी गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग का एक्साइज सेंट्रल लेगा लेकिन दो गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग का एक्साइज का रेवेन्यू स्टेट का बताओ कौन से दो गुड्स ओके okay, एक था अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आई रिपीट ये लाइन पूरी पूरी इंपॉर्टेंट है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मतलब क्या दो टाइप के अल्कोहल होते हैं एक इंडस्ट्रियल जिसको स्पिरिट कहा जाता है ओके okay, और एक ह्यूमन कंजम्पशन मतलब जो अपन पीते हैं ओके okay, तो यहाँ पे जो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्शन था उसपे एक्साइज लगाने का पावर एंट्री नंबर 51 में में उसपे एक्साइज लगाने का पावर स्टेट एक्साइज लगती थी और स्टेट एक्साइज लगाने का पावर एंट्री नंबर 51 में ओके लीकर और ओपीएम में और के स्टेट के पास था ठीक है यहां तक समझ में आया सबको अगर यहां तक समझ में आया तो यस बोलिए बेटा अब मुझे थोड़ा एक एक लाइन मैं बार बार पूछूंगा समझ में आया कि नहीं आया और उस लाइन पे मुझे आपका आंसर चाहिए बेटा सो दैट डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे सामने सिर्फ कैमरा है और आपके जो मैसेजेस है ओके अगर यही फेस टू फेस बैच होती जो अभी तो चालू नहीं होगी पुनः में क्योंकि बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ेगी फेस टू फेस बैचेस के लिए तो अभी तो नहीं होगी एटलीस्ट एक दो महीना लेकिन आपका आंसर ही मेरे लिए यह बताएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है ठीक है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजन एंड ओपीएम तो बेटा समझ में आया आपको यस और नो चलिए चलिए तो ये था रिगार्डिंग टू यहां पे ओके आपको यह समझ में आया होगा तो डिस्कशन को नहीं 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 मासूम ओके Uh, मासूम कोई एंट्री याद रखने की जरूरत नहीं है जो याद रखना है ना मैं बताऊंगा आर्टिकल 246 ए याद रखना है उसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है बाकी ये एंट्री वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है ठीक है मासूम का सवाल बड़ा मासूम था ठीक है चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं नाउ एंट्री नंबर फिफ्टी एंट्री नंबर फिफ्टी जो था टैक्सेस ऑन सेल यानी ये वैट या टैक्स के बारे में बात करती थी और वैट और टैक्स ध्यान से देखिएगा ये और टैक्स के बारे में बात करती थी और ये एंट्री क्या कहती थी कि भाई देखो अगर ये पांच एटम्स ध्यान से सुनना ये पांच एटम्स अगर मैन्युफैक्चर होगे तो एक्साइज भी लगेगा और अगर वो सेल होगा तो सेल्स टैक्स भी लगेगा आपको पता है ओके यहाँ पे एक्साइज भी लगता था और वैट सेल्स टैक्स भी लगता था तो वैट और सेल्स टैक्स एंट्री नंबर 54 में लगता था ओके तो यहाँ पे आज भी पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट नेचुरल गैस एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे ओके यहाँ पे सेल्स टैक्स रहेगा लेकिन अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजन इस पर भी सेल्स टैक्स लगेगा अगर ये सेल होता है यानी अल्कोहलिक फॉर ह्यूमन पे टैक्स तो कंटिन्यू रहेगा एज वेल एज ओके स्टेट एक्साइज भी कंटिन्यू रहेगी यहां तक समझ में आया यहां तक समझ में आया अब मैं आपको बताता हूं अल्कोहल का जो एक्साइज था या सेल्स टैक्स था वो जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं मानी जीएसटी में मर्ज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने करना पहले से स्टार्टिंग से ये कहा कि भाई अल्कोहल को बाजू में रखो ओपीएम पी नार्कोटिक्स को बाजू में रखो उस पर हम ही एक्साइज लेंगे और हम ही सेल्स टैक्स लेंगे हमारा ही रेवेन्यू था ये हमारा पहले भी था आज भी है और फ्यूचर में भी रहेगा हम ये रेवेन्यू जी में मर्ज नहीं करेंगे आपका सवाल सर अल्कोहल पे एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स ये दोनों रेवेन्यू स्टेट वालों ने क्यों मर्ज नहीं किए स्टेट वालों ने क्यों मर्ज नहीं किए क्यों अल्कोहल को जीएसटी में नहीं लाया बेटा पहली बात तो अल्कोहल पे कैस्केडिंग इफेक्ट चाहती है गवर्नमेंट ओके okay, अल्कोहल क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स रेवेन्यू चाहती है गवर्नमेंट अल्कोहल पे ओके अल्कोहल पब्लिकली डोमिनेंट गुड्स है ओके okay, जिसको डोमिनेट करना है तो अगर कोई पीता है तो टैक्स के साथ पिए तो मजा आएगा ओके okay, टैक्स के साथ तो ऐसे सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट क्योंकि एक्साइज का रेवेन्यू भी स्टेट का था सेल्स टैक्स का रेवेन्यू भी स्टेट का था दोनों रेवेन्यू स्टेट के थे और सभी अट्ठाइस ओके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी बिल्कुल रेडी नहीं थे कि अल्कोहल को जीएसटी में डाला जाए क्योंकि अल्कोहल को अगर जीएसटी में डाल दिया गया तो ऐसे केस में पचास okay, टका रेवेन्यू सेंट्रल के साथ शेयर करना पड़ेगा और वो अल्कोहल के रेवेन्यू सेंट्रल के साथ शेयर करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे क्योंकि एक्साइज का रेवेन्यू भी उनका था और यहां पे सेल्स टैक्स का रेवेन्यू भी उनका था इसलिए अल्कोहल जो है स्टेट वालों ने कहा अल्कोहल हाँ, ओके भाई अल्कोहल का रेवेन्यू जो अल्कोहल हम ही लेंगे पहले भी लेते थे अभी भी और फ्यूचर में हम ही लेंगे मतलब रेवेन्यू लेंगे ओके तो अलर और ओपीएम का रेवेन्यू जो है ओके यहाँ पे उन्होंने नहीं डाला ठीक है ये लॉजिक समझ में आया येस और नो हाँ बेटा चिराग सही है वो इसलिए मर्ज नहीं करना चाहते थे क्योंकि एक्साइज अल्कोहल का एक्साइज का रेवेन्यू भी स्टेट का था और सेल्स टैक्स का रेवेन्यू भी जहां तक देखा जाए तो स्टेट का था ठीक है यहां तक समझ में आया अगर समझ में आया होगा तो जोर से बोलो हाँ मैंने पहली कहा आज का डिस्कशन थोड़ा टेक्निकल थेटिकल है पर इंपॉर्टेंट है नवीन वो बात अलग है अभी हम कंस जीएसटी पढ़ रहे हैं ओके okay. अरे डोंट बी अ डम सब बोलो हां सर समझ में आ रहा है ओके okay, सुहानी मैं बताता हूं ओपीएम का क्या अब मैं देखता हूं आपका एनालिटिकल माइंड कितना है मैं तो बताऊंगा ही आपका एनालिटिकल माइंड कितना है देखता हूं देखता हूं ठीक है एक्सप्लेनेशन आर्टिकल अब मैं एनालिसिस में जा रहा हूं जो मेरा फेवरेट एरिया है इसलिए मेरा लॉ सब्जेक्ट बड़ा स्ट्रांग है ठीक है आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स एंट्री नंबर एटी फोर उसके बाद में एंट्री नंबर एंट्री नंबर एटी फोर ऑफ लिस्ट वन एक एक कंक्लूजन में डायरेक्ट नहीं बताऊंगा अगर डायरेक्ट बताने को तो पांच मिनट का काम है लेकिन मैं आपसे आपसे डेवलप आप करके लूंगा क्योंकि आपसे अगर डेवलप आप हो गया ना तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे और मैंने सीधा बता दिया तो वो तो फिर ठीक है तो आज आजकल सभी फैकल्टी वैसा ही करती है कि डायरेक्ट बता दो एंट्री नंबर फिफ्टी वन लिस्ट टू और एंट्री नंबर फिफ्टी फोर थोड़ा हेवी डिस्कशन है बेटा आज का डिस्कशन अगर किसी को हेवी लग रहा है तो मैं हेवी डिस्कशन कर ही रहा हूं लेकिन इसमें आपकी इंटरप्रिटेशन लेवल बहुत बढ़ जाएगी ओके okay. क्यों ना आप अभी फाउंडेशन से आओ इंटर में हो लेकिन इंटरप्रिटेशन लेवल ओके आपकी तगड़ी हो जाएगी तगड़ी एंट्री नंबर फिफ्टी फोर जिसको भी यह आंसर मिलेगा एंट्री नंबर फिफ्टी फोर लिस्ट टू ठीक है अब मैं आर्टिकल लेना चाहता हूं अल्कोहल अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जम्पशन हलकोल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये जो आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स ए का एक्सप्लेन है एक्सप्लेनेशन है जो एक्सक्लूजन फ्रॉम जीएसटी है एक्सक्लूजन फ्रॉम जीएसटी है मतलब कुछ आइटम पे जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंड नहीं करता तब तक उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा पहला सवाल बताइए सब क्या अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्शन एक्सप्लेनेशन पढ़िए और अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन क्या ये लिस्ट में है ये जो लिस्ट दी गई आर्टिकल 246 फोर्टी सिक्स एक्सप्लेनेशन की यह पांच एटम में अल्कोहल है बस आप ये बताइए है या नहीं है है या नहीं है आप ये बताइए ये पांच एटम है या नहीं है नहीं है चलो अब कोई बता पाएगा कि इसमें हाँ इसमें नहीं है डन उसके बाद में इसके ऊपर अच्छा मैं और एक एक एंट्री और ले लेता हूं तो हमारे डिस्कशन में आगे काम आएगा वो एंट्री, एंट्री में ले लेता हूं आगे एक और एंट्री आएगा

एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई अल्कोलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजन मतलब इंडिया के क्योंकि आर्टिकल की डेफिनेशन है इंडिया के किसी भी लॉ में जब भी जीएसटी वर्ड आएगा इंडिया के किसी भी लॉ में जब भी जीएसटी वर्ड आएगा तो उसका मीनिंग यह लिया जाएगा टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ एक्सेप्ट अब एक्सेप्ट ध्यान लाना चाहूंगा एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन जीएसटी की डेफिनेशन में गुड्स एंड सर्विस टैक्स की डेफिनेशन में okay, जो टैक्स इंडिया के सभी पे जा सकता है इंडिया के सभी पे सकता है, पर अल्कोहल पे नहीं लगाया जा सकता तो यहां पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब अब मैं आपसे इंटरप्रिट करना चाहूंगा और वो क्या आर्टिकल थ्री आर्टिकल आर्टिकल 366 366 क्या कहता है? 366 कहता है? है, अब देखो, मुझे डर लग रहा है कि मैं आपको कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूं पर ट्राई करता हूं कंफ्यूज अगर कोई कंफ्यूज हो जाए तो डरने की कोई बात नहीं है ओके okay, मैं सिंपल वे में मैं बाद में चार्ट में ड्रॉ करके दूंगा पर मैं कोशिश करता हूं ठीक है अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो क्या ओके okay, यहां पे कंफ्यूज uh, हो जाए तो कहना कि वाह वाह मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ और कि पॉजिटिव मोड में रहना क्योंकि अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो अच्छी बात है मैं सॉल्व करवा दूंगा पर देखो यहाँ पे अब एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे मुझे ये बताइए आप मुझे आंसर दीजिए अगर आर्टिकल 246 ए के एक्सक्लूजन लिस्ट में अल्कोहल नहीं है ये आगे का देखो ही मत और आगे का क्या मैंने पढ़ाया वो भी मत देखो आर्टिकल टू ए के एक्सप्लेनेशन में वो एक्सक्लूजन लिस्ट में नहीं है मतलब मतलब एक्सप्लेनेशन कहता है कि पेट्रोल पे जीएसटी नहीं आएगा ठीक है पेट्रोलियम क्रूड पे नहीं आएगा डीजल पे नहीं आएगा पेट्रोल पे नहीं आएगा एविएशन टर्बाइन फ्यूल से नहीं आएगा ओके ये पांच आइटम पे जीएसटी नहीं आएगा बट बट बाकी सब गुड्स पे जीएसटी आ जाएगा तो इमेजिन करो बाकी कुछ भी नहीं लिखा है अगर आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो ध्यान से सुनना अगर आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो तो क्या मीनिंग आता है मैं बस आपका इंटरप्रिटेशन देखना चाहता हूं अदरवाइज मैं बहुत सिंपल वे में बता सकता था तो आपका क्या बाकी सब भूल जाओ मुझे बताओ इस एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो आपका इंटरप्रिटेशन क्या आएगा लगता है मैं ज्यादा ही कंफ्यूज कर रहा हूं कि आपको तो मैं बहुत सिंपल वे में पढ़ा दू आपको बहुत ही सिंपल वे में पढ़ा दूंगा पर आप मुझे बताओ कि क्या इंटरप्रिटेशन आएगा फटाफट बोलो आंसर दो अगर आप सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन कंसीडर करें बाकी नहीं हाँ हाँ यस वंश परफेक्ट ये करेक्ट इंटरप्रिटेशन लिया चिराग वंश परफेक्ट मतलब अगर मैं बाकी कुछ भी कंसीडर ना करूं तो मेरे सामने अगर ये एक्सप्लेनेशन पढ़ू तो पांच आइटम छोड़ के बाकी सब आइटम पे जीएसटी है तो मेरे सामने ये आ रहा है कि भाई अल्कोहल पे जीएसटी आएगा अगर मैं एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखू तो ओके, करेक्ट ओके जितेश जयेश करेक्ट ओके तो पांच आइटम छोड़ के बाकी सब पे जीएसटी आएगा तो आंसर तो यही आ रहा मेरे सामने कि अल्कोहल पे भी जीएसटी आएगा चलो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं एंट्री नंबर 84 में जहां एक्साइज लगाई है ओके एक्साइज लगाया बेटा एंट्री नंबर 84 में ठीक है लिस्ट वन में क्या उसमें अल्कोहल है नहीं ओके okay, उसमें अल्कोहल नहीं है इसका इंटरप्रिटेशन यह हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस अल्कोहल पे ओके okay, इस अल्कोहल पे सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लगा सकती है क्या एंट्री नंबर फिफ्टी वन फिफ्टी टू में क्या वो कवर्ड है यस yes. यानी इसके ऊपर स्टेट एक्साइज है ओके क्योंकि एंट्री नंबर फिफ्टी अभी भी है वो डिलीट वो नहीं हुई है मतलब अल्कोहल पे स्टेट एक्साइज लगेगी अल्कोहल पे स्टेट एक्साइज लगेगी और एंट्री नंबर 54 लिस्ट 2 में ओके okay, क्या वो कवर्ड है अल्कोहल का अल्कोहल कवर्ड है यस yes. यानी उसके ऊपर ओके स्टेट स्टेट वैट भी लगेगा स्टेट वैट भी लगेगा यस और नो ओके ये दोनों टैक्स लगेंगे अल्कोहल पे यानी स्टेट एक्साइज भी लगेगा और स्टेट वैट भी लगेगा ठीक है और आर्टिकल 366 का, कहता है कि जब जब भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का नाम आएगा ध्यान से सुनना जब जब भी गुड्स और सर्विसेज टैक्स का नाम आएगा तो उसमें सभी गुड्स और सर्विसेज लिया जाएगा एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग यानी जीएसटी ओके एक्सक्लूडिंग अल्कोहल मतलब ओके okay, यहां पे जीएसटी टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज में अल्कोहल को ऑलवेज एक्सक्लूड किया जाएगा तो अब मुझे आप कंक्लूड करके बताइए यहां यह पढ़ रहा हूं तो ऐसा लग रहा है अल्कोहल पे टैक्स आएगा लेकिन अल्कोहल पे जीएसटी आएगा लेकिन अल्कोहल पे स्टेट एक्साइज लग रही है अल्कोहल पे स्टेट वैट लग रहा है और आर्टिकल 366 कहता है कि जीएसटी माने ओके okay, वो टैक्स जो सभी गुड्स और सर्विसेज़ पर लगेगा एक्सक्लूडिंग अल्कोहल एक्सक्लूडिंग अल्कोहल तो मैं कंक्लूड क्या करूं बस बेटा मुझे कंक्लूड करके बताओ क्या कंक्लूड करूं ओके okay, क्या कंक्लूड करूं कि अल्कोहल पे जीएसटी आएगा या नहीं आएगा अल्कोहल पे जीएसटी आएगा या नहीं आएगा फटाक से बोलो आर्टिकल 366 को भी ध्यान में रखना है ट्वेल्व ए अल्कोहल पे जीएसटी लगाएगी कि नहीं लगाएगी सबसे आंसर चाहिए जो मुझसे कनेक्टेड है ओके okay, क्या लग रहा है अल्कोहल पे जीएसटी okay, ये क्या अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन करेक्ट करेक्ट सबका आंसर है ओके सबका आंसर यह है कि सर नहीं लगेगा क्योंकि आर्टिकल 366 ने कह दिया कि जब जब भी जीएसटी का नाम लिया जाएगा एक्सक्लूडिंग अल्कोहल बात होगी जब जब भी जीएसटी का नाम लिया जाएगा एक्सक्लूडिंग अल्कोहल बात हाँ कनिका मैं बस वही पॉइंट पे आ रहा हूं मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूं ओके तो यहां पे अल्कोहल पे कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि आर्टिकल 366 ये कहता है जब भी नाम जीएसटी का होगा हर गुड्स और सर्विसेज एक्सक्लूडिंग अल्कोहल अल्कोहल पे कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा ठीक है ओके okay, उसके ऊपर स्टेट एक्साइज और स्टेट वैटी लगेगा अब अब मैं सेकेंड वाला आइटम लेता हूं वो हमारे फाइव प्रोडक्ट्स फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देखता हूं आपका एनालिसिस फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है ओके okay, यानी पेट्रोल डीजेल पेट्रोलियम क्रूड नेचुरल गैस नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल क्या वो यहां पे एक्सप्लेनेशन में कवर्ड है यस yes. क्या वो एक्साइज की एक्साइज में कवर्ड है यस yes. क्या वो यहां पे, ओके okay, एंट्री नंबर 51 में कवर्ड नहीं और एंट्री नंबर 54 में कवर्ड है यस क्या आर्टिकल 366 में उसके ऊपर भी जीएसटी लगा सकते हैं आर्टिकल 366 कहता है सभी गुड्स पे लगा दो यार सभी गुड्स पे लगा दो ओके लेकिन यहां पे अल्कोहल पे नहीं लग सकता यानी इसमें भी लगा सकते हैं यानी ओके अब ध्यान से देखिएगा एक-एक स्टेप जाएंगे एक साथ सभी नहीं एक-एक स्टेप जाएंगे हां ये बताओ यहां पे वो पांच ऐटम पांच आइटम एक्सप्लेनेशन के एक्सप्लेनेशन के इसमें कवर्ड है मतलब मतलब क्या हुआ चलो बोलो फटाफट मैं ज्यादा डीप में तो नहीं जा रहा हूं ना अच्छा स्टेज भी कर रहा हूं तो भी आपको समझेगा ये एनालिसिस तो भी समझेगा चलो ये पांच ऐटम एक्सेप्शन में कवर्ड है मतलब क्या मतलब ये पांच ऐटम आउट ऑफ जीएसटी है आउट ऑफ जीएसटी है इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा चिराग ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है मैं बताने वाला हूं मैं बताने वाला हूं ओके okay, ये पांच एटम ओके एस पर एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन की जो एक्सक्लूजन लिस्ट है वो एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन फ्रॉम जीएसटी उसमें कवर्ड है मतलब ये पांच एटम पे ओके okay, अब मैं बताता हूं ये पता है क्या ये एक्सप्लेनेशन क्या कहता है ये एक्सप्लेनेशन कहता है कि हम वो लिस्ट दे रहे वो पांच एटम की लिस्ट दे रहे जिसके ऊपर फ्यूचर में जीएसटी लग सकता है लेकिन अभी नहीं लगेगा जब तक जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन नहीं आएगा मतलब ये पांच एटम पे ओके okay, फ्यूचर में जीएसटी आ सकता है कम ऑन यार ये पांच एटम में फ्यूचर में जीएसटी आ सकता है जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा पर फिलहाल नहीं है फिलहाल नहीं है ओके okay, तो अगर मैं ये आर्टिकल 246 ए और आर्टिकल 366 का साथ में लू तो अब मैं जो कहने जा रहा हूं इसके पहले किसी को भी कंफ्यूजन होगा तो ल्यू इट अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो कंक्लूजन याद रखो ओके okay, आर्टिकल 246 ए का जो एक्सप्लेनेशन है और 366 को मैं ध्यान में पड़ोदू तो यहां पर कंक्लूजन ये आता है आर्टिकल 366 कहता है सभी गुड्स पे जीएसटी आने के पूरे चांसेस सभी गुड्स पे लेवी हो सकती है सभी गुड्स पे लेवी हो सकती है अल्कोहल पे कभी नहीं होगी यानी अल्कोहल पे कभी जीएसटी नहीं आएगा कभी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा ठीक है यह आर्टिकल, आर्टिकल 366 पहला कंक्लूजन दूसरा दूसरा कंक्लूजन यह आर्टिकल थ्री कहता है कि यह पांच आइटम पे भी लेवी होगी पर यह पांच आइटम पे लेवी उस दिन से होगी उस दिन से होगी जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा मतलब क्या बेसिक डिफरेंस है पता है क्या आपको सुनो क्या बेसिक डिफरेंस है है पता क्या आपको कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ध्यान से सुनना अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है यहां पे इस पे कभी जीएसटी नहीं आएगा इसके ऊपर कभी जीएसटी नहीं आएगा लेकिन ये पांच एटम्स जो है इसके ऊपर अभी फिलहाल जीएसटी नहीं है फिलहाल एक्साइज है वैट है पर जीएसटी नहीं है, है, है पर फ्यूचर में इसके ऊपर जीएसटी आ सकता है ओके okay. अगर आपका और मेरा इंटरप्रिटेशन मैच हो गया ना बेटा तो समझ लो ऐसा ही इंटर है और ऐसा ही फाइनल फाइनल तो पूरा इंटरप्रिटेशन है ओके okay. और ये फाइनल की फैकल्टी आपको इंटर में अवेलेबल है वी में वैसे सभी फाइनल की फैकल्टी आपको इंटर में अवेलेबल है ओके okay. तो चलो लास्ट में कंक्लूड कर सक, करता हूं कि अल्कोहल कभी भी फ्यूचर में जीएसटी काउंसिल क्यों ना रिकमेंड कर दे पर आर्टिकल ने कह दिया कि अल्कोहल कभी जीएसटी में नहीं आएगा ओके और यहां पे पांच प्रोडक्ट ये अभी तो एक्साइज और वैट में है लेकिन इसके ऊपर फ्यूचर में जीएसटी ले भी हो सकती है ओके तो जोर से बोलो हाँ सर अच्छे से समझ में आया जोर से बोलो अच्छे से समझ में आया मैं चार्ट निकाल के दूंगा इसका इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं ओके गुड सुहानी गुड सुहानी और और ओके okay, अगर आपको समझ में आया होगा ओके okay, तो मिठाई हो जाए एक सर कितने बार मिठाई दे एक ही बार दे सकते हैं <laughs> और बाकी सब जितने भी कनेक्टेड है सबको समझ में आया मैं थोड़ा ज्यादा इंटरप्रिटेशन में गया करेक्ट सुहानी करेक्ट पांच प्रोडक्ट फ्यूचर में जीएसटी आ सकती है जीएसटी में आ सकता है और आना भी चाहिए पेट्रोल अगर जीएसटी में आ गया तो प्राइस बहुत कम हो जाएगी क्रेडिट अलाउ हो जाएगा ग्रेट ग्रेट सावन ज्ञनेश्वर और बाकी ओके डोंट बी ए डम्प रिप्लाई करो चलिए अब थोड़ा आपका और इंटरप्रिटेशन देखता हूं थर्ड टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट चलिए टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स का क्या करें एक्सप्लेनेशन कहता है पांच एटम छोड़ के एक्सप्लेनेशन कहता है पांच एटम छोड़ के बाकी सब गुड्स पे जीएसटी लगाया जाएगा इसका मतलब यह और वो पांच आइटम में टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं आते हैं मतलब ओके okay, क्या ये एक्सक्लूजन फ्रॉम जीएसटी है नो no. मतलब यहां पे जीएसटी लगेगा जीएसटी लेविएबल क्योंकि वो पांच आइटम जो एक्सक्लूड किए हैं, ओके उसमें वो कवर्ड नहीं है वो जीएसटी से एक्सक्लूड नहीं किए हैं मतलब जीएसटी लगेगा ये क्लियर है यहां पे, ये क्लियर है बेटा ओके okay, ये नो एस कंफ्यूजन हो रहा है तो छोड़ दो सिंपल लैंग्वेज में समझो वो, वो पांच आइटम जो जीएसटी के बाहर रखे गए उसमें टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट नहीं आते मतलब इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से जीएसटी लगेगा यस और नो आर्टिकल आर्टिकल 366 366 क्या कहता है? 366 कहता है? है कि सभी गुड्स पे जीएसटी लगा दो सिर्फ बालकोल छोड़ पे तो मतलब यहां पे भी जीएसटी की लेवी होगी आर्टिकल के हिसाब से भी जीएसटी की लेवी हुई जीएसटी की लेवी होगी चलो अब इसका मतलब ये हुआ कि जीएसटी की लेवी ये एक्सप्लेनेशन भी नहीं रोकता है क्योंकि ये सभी गुड्स पे जीएसटी की लेवी होगी हो देखो अल्कोहल इसमें क्या फर्क है अल्कोहल में एक्सप्लेनेशन नहीं रोक रहा था लेकिन आर्टिकल थ्री ने रोक दिया एक्सप्लेनेशन okay, ने तो क्या कहा पांच आइटम एक्सक्लूड हो गए okay, तो इसने नहीं रोका लेकिन इसने जो है इसने एलकोहल को बाहर ही निकाल के फेंक दिया ओके okay, यहां पे दोनों भी नहीं रोक रहे है, okay, यह जो है, इसके में नहीं है और यहां पे जीएसटी का लेवी हो जाएगा प्लस अब मुझे बताओ टोबैको टो, टोबैको प्रोडक्ट लिस्ट वन के ध्यान में देखना स्क्रीन पे देखो ओके okay, ये जो लिस्ट वन है ओके okay, लिस्ट वन के एंट्री नंबर एटी में भी दिख रहा है एंट्री नंबर 84 में दिख रहा है मतलब टोबैको टोबैको प्रोडक्ट्स पे एक्साइज भी है ओके okay, मतलब क्या मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो है एंट्री नंबर एटी फोर में दिख रहा है यस yes, मतलब इसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज है सेंट्रल एक्साइज है सेंट्रल एक्साइज लग रही है अच्छा एंट्री नंबर फिफ्टी फोर में नहीं दिख रहा है ओके सॉरी एंट्री नंबर फिफ्टी वन में नहीं दिख रहा है अगर आप एंट्री नंबर फिफ्टी वन देखो तो उसमें नहीं है लेकिन चलो एंट्री नंबर फिफ्टी देखते हैं तो एंट्री नंबर 54 में अगर आप ये लिस्ट देखते हो पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पीड नेचुरल गैस एवियेशन टर्बाइन और अल्कोहल ओके okay, आगे कई टोबैको नहीं है मतलब ओके okay, मतलब ये हुआ कि एंट्री नंबर में भी नहीं है एंट्री नंबर फिफ्टी में भी नहीं है क्या कंक्लूजन लो बोलो देखता हूं टोबैको टोबैको प्रोडक्ट जीएसटी के अंडर आएगा या एक्सप्लेनेशन ये आर्टिकल 246 फोर्टी कहता है आर्टिकल 366 भी कहता है कि जीएसटी के लिए भी होगी सिर्फ अल्कोहल एक्सक्लूड होगा इसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज भी लगाई है लेकिन इसके ऊपर वैट नहीं है सेल्स टैक्स की लिस्ट में नहीं है मैं कंक्लूजन क्या लू मुझे कंक्लूजन बताओ परफेक्ट नमी नाजमीन परफेक्ट ओके यस चिराग सुहानी परफेक्ट मतलब यह हुआ कि टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट पे टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट पे सेंट्रल एक्साइज है और जीएसटी है टोबैको टोबैको प्रोडक्ट्स पे सेंट्रल एक्साइज है और जीएसटी है वैट नहीं है वैट नहीं है स्टेट एक्साइज नहीं है यानी ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर एक्साइज भी लगेगी एक्साइज भी लगेगी और जीएसटी लगेगा ओके okay, जीएसटी लगेगा इज इट क्लियर ये एनालिसिस बाद में बहुत सिंपल वे में समझा दूंगा सेंट्रल एक्साइज लगेगी वेरी गुड सब सही आंसर दे रहे हो ओके okay, अगर आप सही आंसर दे रहे हो तो दो चीजें हो सकती है मैंने जो पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ में आया नहीं तो कुछ नहीं आया आप तुक्का मार रहे हो ओके okay, तो यहां पे बिल्कुल सही मतलब इसके ऊपर वैट नहीं लगेगा स्टेट एक्साइज नहीं इसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज और जीएसटी लगेगा अब चौथा आइटम लेता हूं ओपीएम ओपीएम नार्कोटिक्स वगैरह देखो ओपीएम और नार्कोटिक्स वगैरह ओके okay, अब ओपियन एक्सप्लेनेशन के एक्सक्लूजन लिस्ट में नहीं है मतलब जीएसटी लगेगा नॉट एक्सक्लूडेड मतलब जीएसटी लगेगा जीएसटी लेवीएबल अच्छा आर्टिकल 366 ने सिर्फ अल्कोहल को बाहर निकाला है ओपीएम को बाहर नहीं लगा है और अल्कोहल को बाहर निकाला है मतलब यहां पे भी जीएसटी की लेवी होगी या आर्टिकल के हिसाब से भी जीएसटी की लेवी होगी अब ये सेंट्रल एक्साइज नहीं स्टेट एक्साइज एंट्री नंबर 51 में है अभी भी है ये स्टेट एक्साइज में है और ये वैट में नहीं है ओके एंड एंट्री नंबर 54 में ओपीएम नहीं है तो बताओ इसका क्या कंक्लूजन लो ओपीएम और नारकोटिक्स का क्या कंक्लूजन लो बोलो ये आपको क्वेश्चन पूछने के 100% 100 नहीं बोलूंगा 99% चांसेस है ओके okay, कि किस पे ओनली जीएसटी है किस पे एक्साइज और वैट है किस पे एक्साइज और जीएसटी है ओके okay, मैं इसका बहुत अच्छा चार्ट आपको बना के दूंगा तो बताओ क्या कंक्लूजन लू ओपीएम और नार्कोटिक्स पे करेक्ट करेक्ट बेटा ओके परफेक्ट चिराग नाजमिन मतलब यह हुआ यहां पे मतलब यह हुआ कि ओपीएम और नार्कोटिक्स पे जीएसटी भी लगेगा सुनो जीएसटी भी लगेगा और यहां पे स्टेट एक्साइज भी लगेगी परफेक्ट यार मजा आ गया ओके okay, आपने बहुत अच्छा इंटरप्रिट किया तो इन शॉर्ट इन शॉर्ट ओके अब मैं आपको एक समझाओ क्या क्या ऑल गुड्स अब देखो सिंपल वे में जिसको ये एनालिसिस समझ में नहीं है बहुत सिंपल वे में चाहे मैं ऐसा भी पढ़ा सकता था पर मैं ऐसा पढ़ाना नहीं चाहता था आपसे आंसर चाहता था ठीक है आपसे इंटरप्रिटेशन चाहता था तो ऑल गुड्स सभी गुड्स जीएसटी में आएंगे पहला थॉट पहला थॉट सभी गुड्स और सर्विसेस पे जीएसटी लगेगा ठीक है एक्साइज नहीं वैट नहीं कुछ भी नहीं पहला थॉट सभी गुड्स और ओके okay, सर्विसेज पे जीएसटी लगेगा लेकिन एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्या है एक्सेप्शन अब समझ लो पहला एक्सेप्शन अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्प्शन ह्यूमन कंजन इसके ऊपर इसके ऊपर नो जीएसटी कोई जीएसटी नहीं है ओके okay, इसके ऊपर नो जीएसटी और ये कभी नहीं लगेगा नेवर नेवर ओके कभी नहीं लगेगा और ये जो है अभी फिलहाल स्टेट एक्साइज तो कौन सी लेवी है तो सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ क्या बेटा कौन सी लेवी लगेगी इसके ऊपर तो स्टेट एक्साइज स्टेट एक्साइज प्लस ओके यहां पे स्टेट वैट और सीएसटी स्टेट वैट और सीएसटी आई के बाद समझ में आपके ओके okay, आई के बाद आपके समझ में बेटा ठीक है स्टेट एक्साइज और स्टेट वैट प्लस सीएसटी लगेगा उसके बाद में दूसरा सेकंड, सेकंड में लूंगा यहां पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यहां पे no GST, no GST unless, unless recommended by council, recommended by council. Okay, alcohol पे तो GST कभी नहीं आएगा भाई, लेकिन ये petroleum products पे जो five items हैं, जो five items हैं, okay, उसके ऊपर जब तक council recommend नहीं करता है, तब तक GST नहीं आएगा. तो levy क्या है? तो subject to levy of कौन सी levy लगेगी? तो सेंट्रल एक्साइज ध्यान दीजिएगा सभी ओके okay, मैं चार्ट बना के दूंगा डोंट वरी सिर्फ अभी समझ लो इस पर सेंट्रल एक्साइज लगेगी सेंट्रल एक्साइज प्लस स्टेट वैट या सीएसटी लगेगा स्टेट वैट और सीएसटी लगेगा चलो तीन नंबर पे तीन नंबर पे हम टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स ले लेते हैं टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स टोबैको ले लेते हैं इसके ऊपर क्या जीएसटी लगेगा यस जीएसटी लगेगा और सेंट्रल एक्साइज लगेगा ओके तो जीएसटी लेविएबल प्लस यहां पे सेंट्रल एक्साइज सेंट्रल एक्साइज लगेगा ठीक है और नो स्टेट वैट और सीएसटी नो स्टेट वैट और सीएसटी ख्याल रहे और नेक्स्ट यहां पे ओपीएम और नार्कोटिक्स चलो फोर्थ ओपीएम एक्सेट्रा यहां पे जीएसटी लेवियबल जीएसटी लेविएबल अब मैं जब भी कहूं जीएसटी लेविएबल जीएसटी लेवियबल मतलब फिर सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों आ गए जीएसटी लेविएबल मतलब दोनों आ गए तो जीएसटी लेविएबल सेंट्रल एक्साइज नहीं ओपीएम नार्कोटिक्स जीएसटी लेविएबल उसके बाद में स्टेट एक्साइज लगेगी स्टेट एक्साइज लगेगी लेकिन नो नो स्टेट वैट और सीएसटी ओके स्टेट वैट और सीएसटी नहीं लगेगा ठीक है तो आपकी थॉट प्रोसेस कैसी होनी चाहिए सभी गुड्स और सर्विसेज पे पहला थॉट तो जीएसटी लेकिन ये चार केस में पॉज हो जाना बिल्कुल अल्कोहल पे कभी जीएसटी नहीं ओनली स्टेट एक्साइज और स्टेट वैट पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे अभी फिलहाल तो जीएसटी नहीं सेंट्रल एक्साइज और स्टेट वैट फिर उसके बाद में टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स पे जीएसटी भी लगेगा सेंट्रल एक्साइज भी लगेगा पर वैट और सीएसटी नहीं लगेगा और ओ पे ओके जीएसटी लगेगा स्टेट एक्साइज लगेगा जीएसटी लगेगा स्टेट एक्साइज लगेगा लेकिन वैट और सीएसटी नहीं लगेगा यस yes, बेटा गवर्नमेंट को ओपीएम और अल्कोहल से बहुत ज्यादा फायदा है स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट अपना एक्साइज लूज नहीं करना चाहती है और अल्कोहल पे तो कुछ भी लूज नहीं करना चाहती है तो ये था बेटा अगर किसी को फोटो वोटो निकालना है तो निकाल लेना इसका फोटो ओके ये एक एनालिसिस था यहां पे हमने ये एनालिसिस देखा ठीक है आई होप आपके समझ में आया होगा पर इसको फ्रिक्वेंट रिविज़न चाहिए और मैं फ्रिक्वेंट रिविज़न करवाओगा डोंट वरी यहाँ तक समझ में आया सबको जोर से बोलो हाँ जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हो गए ओके मैंने थोड़ा एनालिसिस लिया शायद मैंने स्ट्रेच किया भी होगा शायद मैंने यहाँ पे थोड़ा ओके क्रिटिकल वे में जाके समझाया होगा बेटा मुझे उसके लिए माफ़ कीजिएगा लेकिन मैं आपको इंटरप्रिटेशन समझाना चाहता था कि लॉ के इंटरप्रिटेशन कैसे किए जाते हैं एक में से कैसे कनेक्ट किए जाते हैं और उस पर से हमने कंक्लूजन निकाला ओके इसको हम फ्रिक्वेंट रिविजन ले गए ही ले गए बेटा ओके okay, इसको हम ओके फ्रीक्वेंट रिविजन में ले गए ले गए आप स्क्रीन ले सकते हो चलिए आज का डिस्कशन यहीं एंड करेंगे ओके okay, बहुत बढ़िया ओके रिस्पेक्ट भाई रिस्पेक्ट <laughs> बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो तो आज का डिस्कशन यहां एंड करते हैं कल कंटिन्यू करेंगे इसको कल कंटिन्यू करेंगे ओके okay, और कल तो और मजा आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे हम चलो ग्रेट कनिका ग्रेट ग्रेट क्योंकि मैं चाहता तो बेटा सीधा सीधा बता देता था कि ये ऐसा लर्न कर लो ये ऐसा लर्न कर लो पर एनालिसिस से आपको देखो मैंने इतना एनालिसिस किया कि आपको आर्टिकल भी याद हो गए एंट्रीज भी याद होगी किसी ने मेरे को पूछा कि सर एंट्री याद करने की जरूरत है क्या अब याद करने की नहीं लर्न हो गई इतना मैंने एनालिसिस कर लिया एंट्री एटी फोर फिफ्टी आर्टिकल तो, एक्सप्लेनेशन टू तो आर्टिकल 246 है और आर्टिकल वहां पे 312 हो गए याद आपके तो चलिए यहां हम रुकते हैं डन ऑनलाइन कौन कनेक्टेड है मेरे से कुणाल कुलदीप ओके वेरी गुड बेटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा आई होप ओके आपको अच्छे से जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन है ओके आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कंफ्यूजिंग नहीं होगा बेटा समझ में आ जाएगा आपको चलो यहां रुकते हैं आज का सेशन यहीं रुकते हैं बेटा सॉन्ग या शायरी कल लेंगे कल लेंगे सॉन्ग या शायरी चलिए ओके और जरूर आपका एक कमेंट और अच्छा लगा होगा आपका से, सेशन तो मेरे लिए नहीं बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए आप चाहते हो कि ये सेशन बहुत लोगों के साथ शेयर हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा थैंक यू और एक कमेंट जरूर डालिएगा सो दैट अदर स्टूडेंट्स भी इसका फायदा ले सके थैंक यू थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गुड बाय और गुड नाइट आपका दिन बहुत अच्छा रहे